हेलो ऑल ऑफ यू, आज डे 126। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 तक किया था, आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 30, पहले मैं लिख लूं क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 398। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 398। ओके, एक्स लिमिटेड ऑप्टेन ए लोन फ्रॉम IDBI ऑफ ₹1 करोड़, गिविंग एज कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ ₹1 करोड़ 50 लाख ऑफ ₹10 ईच 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स। अभी क्या चीज इसको समझना, पहले क्वेश्चन हमें सॉल्व करो, उसके पहले कंसेप्ट के बारे में अपने को बात करना पड़ेगा, अच्छे से आप समझेंगे बच्चों। सपोज ये एबीसी लिमिटेड है आपकी, ये एबीसी लिमिटेड है, मैं लिख लू यहां पे, ये एबीसी लिमिटेड है, और इस एबीसी लिमिटेड ने सपोज कोई बैंक है, ये सपोज एसबीआई बैंक है, ध्यान से अब आप समझेंगे। तो ये एबीसी लिमिटेड ने इस बैंक से लोन लिए, क्या लिए बच्चों, ये एबीसी लिमिटेड ने इस बैंक से क्या लिए, लोन लिए। तो इसने जब लोन ली तो इसने यहां पर, तो ये एंट्री पास कर देंगे, इसने सपोज मैं वही फिगर लेता हूं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कितना है, ₹1 करोड़। ओके, सो ₹1 करोड़ का सपोज इसने यहां पे लोन लिया, ये कोई भी फिगर लो, उससे कुछ नहीं, मेन है कंसेप्ट समझना है अपने को। बैंक का नाम वाम कुछ नहीं दिया ना, चलो आईडीबीआई दिया, तो मैं भी वही दे देता, चलो ठीक है आईडीबीआई बैंक, ठीक है। सो ₹1 करोड़ लोन लिए, तो जब ये लोन लिए एबीसी लिमिटेड ने, क्या एंट्री पास किए बच्चों, इसने एंट्री पास किया यहां पे, इसकी क्या एंट्री पास होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, लोन फ्रॉम आईडीबीआई, लोन अकाउंट। तो किसकी बुक्स में एंट्री की बात करें अपन, कंपनी की बुक्स में एंट्री की बात करें, एबीसी लिमिटेड की बुक्स में एंट्री की बात करें। तो ₹1 करोड़ का लोन लिए, ₹1 करोड़ का क्या लिए बच्चों, लोन लिए, और उसके बदले में ₹1 करोड़ का आपने लोन लिया, तो आपने एंट्री पास करे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब लेकिन ये आईडीबीआई बैंक हमको कहता है कि यहां पे आपको लोन तो हमने दी, लेकिन सिक्योरिटी पे कोई चीज दो, तो ना अपन कोई चीज सिक्योरिटी पे देते, कि अगर अपन को लोन रीपे नहीं कर पाए तो जो चीज आपने सिक्योरिटी पे दी है उसको बेच के वो बैंक रिकवर करता है ना, तो उसने कहा कि कोई सिक्योरिटी पे दो। तो इन्होंने यहां पे कहे अगर रीपेमेंट, इफ डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट, अगर रीपेमेंट में हमने कोई डिफॉल्ट किया तो वो कहता है कि उसके बदले में कोई चीज आप सिक्योरिटी पे दो। मतलब मैंने लोन तो ले लिया, लेकिन रीपेमेंट करना पड़ेगा जब मुझे, तो मैं रीपेमेंट करूंगा, लेकिन अगर मैंने कोई, इफ अगर मैंने कोई डिफॉल्ट कर दिया रीपेमेंट में, अगर अगर कोई डिफॉल्ट कर दिया रीपेमेंट में बेटा, तो उसके लिए कोई चीज सिक्योरिटी पे दो। तो दो चीज हम लोग सिक्योरिटी पे दे रहे हैं, वो सिक्योरिटी पे हम लोग क्या दे रहे, अपने कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे, क्या दे रहे बच्चों, डिबेंचर्स दे रहे, कौन दे रहा है, एबीसी लिमिटेड किसको दे रहा है, बैंक को। अब एक्चुअल में ये जो डिबेंचर्स होते, इसके बदले में हम लोगों को कोई पैसा नहीं आता। डिबेंचर आपने, फॉर एग्जाम्पल आप बैंक को, बेटा मैंने आपसे लोन लिया ₹1 करोड़ का, मैंने एंट्री पास कर दिया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, उसके बदले में आपको डिबेंचर्स दिया, लेकिन वो सिक्योरिटी पे, मतलब ये डिबेंचर्स बेटा अगर मैंने डिफॉल्ट किया आपको पेमेंट कर, लोन एक अलग चीज है और सिक्योरिटी पे जो डिबेंचर दिया वो एक अलग चीज है। तो लोन आपने दिए, मैंने एंट्री पास कर दिया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ये एक अलग चीज है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट ये एक अलग चीज है। अब मैं तो दूसरी चीज पे, सो मैंने कहा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट एंट्री पास किया, लेकिन जो मैंने सिक्योरिटी पे आपको चीज दी है, क्या मुझे उसकी एंट्री पास करना पड़ेगा क्या? तो दो तरीके होते, एक तरीका होता है, दो तरीके होते, पहला तरीका उसका मेथड वन कहते हैं, ठीक है, मेथड वन कहते हैं कि इसकी कोई भी एंट्री पास मत करो, किसकी, नो एंट्री, किसकी कोई एंट्री पास मत करो,
जो सिक्योरिटी पे मैं आपको दे रहा हूं डिबेंचर्स की कोई एंट्री पास नहीं करो। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं एंट्री पास करें डिबेंचर की, वैसे तो आप नॉर्मली जब डिबेंचर इशू करते हैं तो इसकी एंट्री पास करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट हम एंट्री पास करते ना, कुछ एप्लीकेशन पे आता है, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ कॉल पे, वो प्रोसेस होती है। लेकिन यहां पर बेटे मैं कह रहा हूं कि मैं आपको डिबेंचर दे रहा हूं लेकिन उसकी एंट्री नहीं पास करो। आप बोले क्यों नहीं एंट्री पास करो, क्योंकि एक्चुअल में मैंने आपको डिबेंचर अलॉट नहीं किया, मैंने आपको डिबेंचर अलॉट नहीं किया, मैंने दे दिया डिबेंचर और मैंने कहा अगर, मेरे वर्डिंग्स को बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा अगर मैंने डिफॉल्ट किया रिपेमेंट ऑफ लोन की तो वो डिबेंचर आपके हो जाएंगे, वो डिबेंचर आपके हो जाएंगे। तो अभी डिबेंचर मैंने आपको अलॉट नहीं किया, गिरवी रखा हूं आपके पास, अगर लोन जो दिया उसकी रिपेमेंट पर अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो वो डिबेंचर आपके हो जाएंगे। तो डिबेंचर अभी आपके हुए नहीं ना, तो फिर एंट्री किस बात की? तो एक तरीका होता है कि आप उसकी नो एंट्री लिख दो, किस चीज की, जो सिक्योरिटी पे आपने डिबेंचर दी उसकी। ऑल्टरनेटिव बोले नहीं नहीं सर कोई एंट्री बताओ, तो एक और मैथड है हमारी, इसे हम कहते हैं सेकेंड मैथड है यहां पे। अब इसमें क्या होता है आपका जो आपकी सेकेंड मैथड है बेटा, इसमें आप एंट्री पास करते हो, मैं एंट्री लिख लेता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप ये एंट्री पास करो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि मैंने यहां पे डिबेंचर अलॉट ही नहीं किया, आई कैन नॉट से कैश और बैंक अकाउंट, पैसा आया ही नहीं यहां पे, देते पैसे तो आपको गिरवी सिक्योरिटी पे आपके पास रखा हो बेटा। अच्छा तो मैंने यहां पे एंट्री पास कर दिया डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अभी जो डिबेंचर सस्पेंस है बच्चों, ये जो डिबेंचर सस्पेंस है, ये जो डिबेंचर सस्पेंस है, ये बैलेंस शीट में एक एसेट साइड में रिफ्लेक्ट होगा, ये आपका होता है अदर नॉन करंट एसेट, और ये होता है आपका, ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। ओके तो एक होता है आपका अदर नॉन करंट एसेट और एक क्या चीज है बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तब आप खुद सोचो एक एसेट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है एक लायबिलिटी साइड में, तो बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं हो रहा है, आपका एसेट साइड में आप बढ़ा रहे हो डिबेंचर सस्पेंस के नाम से और लायबिलिटी साइड में आप उसको बढ़ा रहे हो डिबेंचर यहां पे लिख के, ठीक है। तो डिबेंचर सस्पेंस आपने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, एक एसेट साइड में एक लायबिलिटी साइड में, तो सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए ऐसा करा जाता है, प्रेजेंट करने के लिए ऐसा करा जाता है। उसको क्या कर देंगे बाद में अपन, जब वो डिबेंचर, जब मैंने लोन पूरा रिपेमेंट कर दिया तो लोन एक अलग चीज है बेटे, लोन एक अलग चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं। ये जो आपका लोन की जो आपने एंट्री पास कर रहे हो ना वो एक अलग है, और यहां पे आपने जो सिक्योरिटी पे दी है उसकी जो एंट्री पास करे वो एक अलग चीज है। सो ये दो अलग अलग चीज, तो ये एंट्री हम पास कर देते रिकॉर्ड के लिए बस, मगर जब मैं लोन रीपेमेंट कर दूंगा तो ये एंट्री को रिवर्स कर देंगे, जब पूरा लोन हमने चुका दिए तो उसके बाद ये रिवर्स कर देंगे एंट्री को डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, वो क्लोज हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिखते, अदरवाइज का कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा ना वहां पे, एसेट लायबिलिटी दोनों उतने से बढ़ रही है। तो ये दो तरीके से आप इसको कर सकते हो जब आप सिक्योरिटी पे देते हो डिबेंचर्स को, समझ में आई चीज आपको। अब अपन आते क्वेश्चन पे बच्चे, अब अपन आते क्वेश्चन पे, तो देखो क्वेश्चन पे आपसे क्या कह रहा हो। ओके जस्ट वन मिनट, अब आएंगे आप क्वेश्चन पे, ठीक है, ध्यान से। आपसे कहता है कि आपने एक्स लिमिटेड ऑप्टेन ए लोन फ्रॉम आईडीबीआई ऑफ रुपीज 1 करोड़ गिविंग एस कोलैटरल, आपने लोन लिए पहले उसके बदले में कोलैटरल सिक्योरिटी 1,50,00,000 की वही डिबेंचर दिया आपने, तो यहां पे लिखेंगे आप। एक दो तरीके थे ना अकाउंटिंग, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन हुआ है यहां पे इसके अकाउंटिंग के, कितने तरीके दो, इसको बॉक्स में लिख देता हूं, एक्सप्लेनेशन हुआ। मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, जैसा
अब यहां पे आप लिखेंगे पहला, अब आपने इन पहला दो तरीके बेटा, तो मैं मेथड वन ऐसे लिख देता हूं, मेथड वन, तो आप लिखो वहां पे, तो आप सिर्फ ये एंट्री मेथड वन में क्या होता है, ये एंट्री तो करना ही रहेगा ऑब्वियसली लोनली, यहां पे मेथड वन में क्या है, यहां पे इसमें तरीके में नो एंट्री, इसमें जो कोलैटरल सिक्योरिटी की कोई एंट्री पास नहीं करते, ओके, तो अब आप यहां लिखेंगे इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, ऑफ एक्स लिमिटेड इट इज शोन एज फॉलो, तो इसमें आप ना एंट्री नहीं पास करें कोलैटरल सिक्योरिटी की, सिर्फ आप नोट्स टू अकाउंट में मेंशन कर देते हैं, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में उसको मेंशन करते होते, एक में जो नोट मतलब आप सिर्फ उसको नोट्स को मतलब आई मीन टू से पहली मेथड में आप सिर्फ ये एंट्री पास कर रहे हो अपना, यहां पे जो आपने सिक्योर्ड लोन लिया ना, आपने सिक्योर्ड जो बैंक कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, तो आप एक लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आता है आपका लोन, तो यहां पे लिखेंगे आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग ओके तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग में एक हेडिंग होती है सिक्योर्ड लोन, कि आपने सिक्योरिटी पे कुछ दी हो ना, फिर सिक्योर्ड लोन के अंडर में आएगा आपका आईडीबीआई लोन, आपने आईडीबीआई से लोन खरीदे 1 करोड़ रुपए का लोन खरीदे, बोला सर लोन दिए 1 करोड़, अब आप यहां पे लिखोगे कोलेट्रल कोलेट्रली सिक्योर्ड बाय इशूड ऑफ रुपीस 1,50,00,000 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, ओके तो आपने पहली मेथड में क्या करे बच्चों, सिर्फ आपने बताया मैंने आपको जो आपने लोन लिया ना, ये आपने जो लोन को यहां पे क्रेडिट करे, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ये कैश और बैंक में ऐड हो जाएगा, सिंपल, इसमें तो आपने कोई एंट्री पास करे नहीं, इसकी तो कोई एंट्री नहीं। अब मेथड टू में क्या होगा आपका मेथड टू, ठीक है, अल्टरनेटिवली आप एंट्री पास करें डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,50,00,000 जो आपने सिक्योरिटी भी दी 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर वो होते बेटा कि आपने कभी वो डिबेंचर सपोज उनको दे देते अपन, मतलब अगर अपन डिफॉल्ट करते और उनको दे देते, तो जब रीपेमेंट करते तो पहले फर्स्ट डिबेंचर की करते, फिर एक सेकंड डिबेंचर भी होते, फिर उनकी रीपेमेंट करते, इसलिए फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर वहां पे लिखा हुआ है अकाउंट 1,50,00,000 बींग द इशू ऑफ रुपीस 1 करोड़ या नंबर ऑफ डिबेंचर कितने यहां पे दिया है, कितने रुपए का, 10 रुपए का एक, तो बिंग द इश्यू ऑफ 1,50,00,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीस 10 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी, एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ओके, ध्यान से बच्चों, ध्यान से बाप मेरी बात सुनिए, तो दो तरीके थे आपने उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करे, एक तो था आप ये तो आपने लोन लिए, तो ये बस आपको जो लोन है वो आईडीबीआई लोन दिख रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है इसको अच्छे से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं,
अब इस केस में क्या हो रहा है बेटा, आपके फर्स्ट मैथड ये थी, मैथड टू में आपने ये एडिशनल एंट्री पास कर दी, ये एडिशनल एंट्री आपने पास कर, अब क्या होंगे कि आपका ये लोन तो है ही 1 करोड़ का, उसके साथ में क्या होगा आपने यहाँ पे, ये आपने जो डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यू कर उसकी भी एंट्री पास कर। अब ये सेकंड केस में कैसे रिफ्लेक्ट होगा, मैं आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखाता हूं, एक सेकंड इसको मैंने समझना, ये है मेरी बैलेंस शीट, ठीक है, ये कंपनीज एक्ट में ये आपकी बैलेंस शीट रफली बना रहा, 2 मिनट बात करूंगा, 2 मिनट पेशेंस रखना। ये तो एक काम करो, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे आओ, बना के बताता हूं आपको कैसे लिखो। आप इसके नीचे बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 9th amount, okay, so equity and liabilities, तो liability side में आप लोग का long term borrowing आता है, तो वो आता है आपका non current liabilities, non current liabilities उसमें आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ओके सेकेंड, फिर आपके यहां पर एसेट्स नॉन करंट एसेट में आता है आपका अदर करंट एसेट, फिर एक दूसरी हेडिंग आती है आपकी करंट एसेट, करंट एसेट में आता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक की बात करें बैंक बैलेंस की, अब देखो बेटा जब आपका लोन खुद ने आपने सोचा, इसमें नोट्स और अकाउंट भी मैं बना दूंगा, आप खुद सोचो जब आपने लोन लिए तो लोन आपके पास 1 करोड़ रुपए आए बेटा, 1 करोड़ रुपए है तो आपके पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपके पास ही 1 करोड़ है, तो आपने 1 करोड़ रुपए लिख दी। अब कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट, वो पैसा जब आया तो आपने एंट्री पास करी कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट, तो लोन कहा जाएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब जो कोलेटरल सिक्योरिटी पे आपने डिबेंचर दी उसके बारे में मैं बात करता हूं बेटे, अब कोलेटरल सिक्योरिटी में जो आपने डिबेंचर दी उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन 1 करोड़ यहां पे आपका पैसा पहली एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, तो यहां पे 1 करोड़ यहां पे 1 करोड़ यहां पे, ठीक है वो मैं लिखूंगा, 2 मिनट पेशेंस रखना। अब उसके नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे अपन, नोट्स टू अकाउंट पहला नोट्स अकाउंट है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सो उसमें आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका सिक्योर्ड लोन। अब देखो आपने एक आईडीबीआई का लोन लिया तो आपने क्या एंट्री पास करे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू आईडीबीआई लोन अकाउंट, कितने रुपए का लोन लिए 1 करोड़ रुपए का, तो एक इफेक्ट मैंने ये दिया कैश और बैंक अकाउंट, ये एक इफेक्ट दिया मैंने, दूसरा इफेक्ट बच्चे ये आपने लोन का दी, तो पहला इफेक्ट आपका ये 1 करोड़ का हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ये बैंक बैलेंस बढ़ा है और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपका आया लोन, तो उसको मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये एक डेबिट ये क्रेडिट, ठीक है। अब आपने उसको क्या दी यहां पे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो आपने एंट्री पास करी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर, अभी डिबेंचर सस्पेंस आपको समझाया था कहां जाएगा अदर नॉन करंट एसेट में,
लेकिन 14% डिबेंचर का लॉन्ग टर्म बोरोविंग में। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग में एक और चीज अब आपके यहां पे आ जाएगी, 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स 1,50,00,000। तो टोटल कितना आ गया आपका 2,50,00,000। और सेकंड आप लिखेंगे अब यहां पे अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट। तो आपने यहां पे डेबिट करे ना बच्चों, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये एक बार डिबेंचर सस्पेंस टू 14% डिबेंचर, तो 14% डिबेंचर यहां क्रेडिट कर दिया आपने। अब उस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट एक करोड़ 50,00,000 इश्यू ऑफ 15,00,000 14% डिबेंचर फर्स्ट डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी ओके। ध्यान से बच्चों, वन करोड़ 50,00,000। अब ध्यान से बात मेरी पास हो रही है। अब यहां पर देखो आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग 2,50,00,000, तो आपने यहां पे लिखे 2,50,00,000 आपने यहां पे लिख दिए, और नोट्स जो अकाउंट नंबर 2 की टोटल है 1,50,00,000, तो आपने यहां पे लिखे 1,50,00,000 ओके। अब आप टोटल करोगे तो यह आएगा आपका 2,50,00,000 और यह आ जाएगा आपका 2,50,00,000। अब हुआ क्या बेटा यहां पर, यहां पे अगर आप इसमें देखोगे, इसको अगर आप देखते हो, ये यहां पे ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आपका दोनों आया। एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपने डिबेंचर इश्यू करे ना, सॉरी डिबेंचर कह रहा हूं, पहला आपने जो लोन लिए, एक रिप्रेजेंट कर रहा है लोन, और जो आपने फर्स्ट डिबेंचर इश्यू करे वो आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग में दोनों आया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आपका डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 1,00,00,000 जो आपके पास कैश और बैंक, जो आपके पास आपने लोन लिए तो जो आपके पास पैसा है। सो अगर आप यहां पे देखे बच्चों, तो आपने जो एंट्री पास करी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो आपने ये एक इफेक्ट आया और दूसरा इफेक्ट ये आया। अगर ये दो चीज नहीं रहती, अगर मैं एंट्री नहीं पास करता वो डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर अकाउंट, तो मेरा यहां पे सिर्फ लोन दिखता 1,00,00,000 का और यहां पे कैश और बैंक दिखता 1,00,00,000 का। अगर मैं यहां पे बैलेंस शीट बनाऊं रफली, यहां पर भी रफली बना के दिखाता हूं बेटे, अगर मैं यहां पे बैलेंस शीट बनाऊं, सो मेरी इस बैलेंस शीट में एक मेरा इक्विटी एंड ये लाइबिलिटी साइड है और ये मेरा एसेट साइड है। तो यहां पर मेरे को दिखता जो मैंने IDBI का लोन लिया लॉन्ग टर्म बोरोविंग में 1,00,00,000 का ओके, और यहां पे कैश एंड कैश इक्वल में बैलेंस मेरा ये 1,00,00,000 का जो मेरे पास पैसा आया। तो इस तरीके से ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाती है 1,00,01,00,000। यहां पे कितने से दिख रही बच्चों, 2,50,00,000 2,50,00,000, क्योंकि आपने एंट्री पास करे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस आपकी अदर मेरे करंट एसेट लिखा है, एक मिनट, इट विल कम अंडर अदर नॉन करंट होना चाहिए यहां पे, इसको करेक्ट कर लेना, अदर नॉन करंट है, अदर नॉन करंट एसेट में आपका दिखेगा 1,50,00,000 और यहां पे इसमें 2,50,00,000 में 1,50,00,000 फर्स्ट डिबेंचर है। सो एक्चुअली डिबेंचर अलॉट नहीं करो, एज ए सिक्योरिटी दी, तो बस यहां पर अपन क्या करते उसको इस तरीके से उसको यहां पे शो करते कि भाई, मगर जब आपने रीपेमेंट ऑफ लोन कर लिए, तो रीपेमेंट ऑफ लोन कर लिए तो क्या करना पड़ेगा हमको, रिवर्स एंट्री पास करना रहेगा, रिवर्स एंट्री बस की हम लोग पास कर देंगे। इतनी आपको ये चीज समझ में, तो इस तरीके से अपने को इसको सॉल्व करना रहता है। तो एग्जामिनेशन वैसे आया नहीं कभी इस पे, हो सकता है कभी आ जाए कोलैटरल सिक्योरिटी, एक हाथ पॉइंट कभी पूछ भी लेता हूं एक हाथ, तो क्योंकि वो कभी कभी ऐसा था 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, टोटल 15 मार्क का कंपनीज अकाउंट का आता है,
उसमें पांच पांच नंबर के पूछा, पांच पांच नंबर की पूछा तो सपोज पांच नंबर का पूछा उसमें एबीसी पॉइंट दे, तो उसमें हो सकता है कोलैटरल सिक्योरिटी एंट्रीज पूछ लेते, तो या तो नो एंट्री या तो फिर आप लिखो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ओके सो यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 30 हमारा होता। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 398। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पेज में लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 31 पेज नंबर 398। अब देखिए क्या कह रहा हूं आपसे, एक्स लिमिटेड, एक्स कंपनी लिमिटेड इश्यू 10,014% डिबेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹50 लाख एज फॉलो। आपको एक्स कंपनी लिमिटेड की 10,000 डिबेंचर इश्यू कर रहा है और उसकी फेस वैल्यू कितनी है 50 लाख, तो अगर आप 50 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 करो, ओके 50 लाख, ओके तो ₹500 का एक हो रहा होगा, कोई नहीं, तो यहां पे अमाउंट वो शेयर ₹500 का, 50 लाख का नंबर ऑफ डिबेंचर आपके 10,000, 50 लाख डिवाइड बाय 10,000 तो आता है 500, ओके ठीक है। तो यहां पे 50 लाख कैसे वो इश्यू कर रहा है, फेस वैल्यू उसकी कैसे, टू सेंड्री पर्सन फॉर कैश एट 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹25 लाख। अब किसी को 25 लाख के डिबेंचर वो दे रहा है जिसकी फेस वैल्यू 25 लाख, जैसे 50 लाख यहाँ पे टोटल फेस वैल्यू है, तो 25 लाख के किसी को बेच रहा है, लेकिन कितने पे बेच रहा है, 90% डिस्काउंट। फिर बी पॉइंट क्या था, टू ए वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट वर्थ ₹10 लाख। अब उसने 10 लाख रुपए की कोई फिक्स एसेट परचेज करा, लेकिन उसके डिबेंचर हम 12,50,000 के दे रहे, मतलब हम डिस्काउंट में दे रहे, ठीक है अपन बात करेंगे। उसके बाद टू ए बैंकर इज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर ए लोन ऑफ ₹10 लाख। अब उसने कोलैटरल सिक्योरिटी के 12,50,000 रुपए के वहां पे लोन दे दिया। अब तीनों अलग अलग चीजें, तीनों में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। पहला वाला जो केस था बेटा आपका यहाँ पे फर्स्ट, उसमें उसने क्या किया, सेंडरी पर्सन मतलब एक्चुअल में डिबेंचर्स को उसने दिया और उसके बदले में पैसा उसको मिला फॉर कैश यहाँ पे लिख रहा है। तो आपने 25 लाख की उसकी फेस वैल्यू थी 90% पे दिया, मतलब 10% डिस्काउंट है उसका। तो इसकी एंट्री पास करेंगे, मींस यहाँ पे लिख देता हूं पहले, मींस 10% डिस्काउंट। सो यहां पर अब आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड ठीक है, एबीसी पॉइंट है जैसे, ओके तो यहां पे ए पॉइंट एबीसी ऐसा लिख देता हूं, ओके तो आपने डिबेंचर्स दिए 25 लाख की फेस वैल्यू थी 90% पे दी, तो पैसा 90% आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 25 लाख का 90%, सो आएगा 22,50,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट being application money received। अब उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन के बैलेंस को हम लोग डिबेंचर अकाउंट में लेके जाएंगे, लेकिन अपने को और हमेशा डिबेंचर अकाउंट में क्या जाती है बेटा, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 100% है वो, ओके ये 90% और 100% फेस, 10% कहां जाएगा डिस्काउंट में। सो आप लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹25 लाख का जो ऊपर में भी आपने लिखे 90% 22,50,000, फिर इसके डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ
डिबेंचर अकाउंट डेबिट 25 लाख का 10%, 2,50,000। टू 14%, 14% ही इतना, यस 14, टू 14% डिबेंचर अकाउंट 25 लाख। ये भी सेकेंड आने का भी, ओके। सो बीइंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू 14% डिबेंचर अकाउंट एंड डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिकॉर्डेड। ओके, ये अलग अलग है, ए पॉइंट अलग है, बी अलग है, सी अलग है। अब मैं तो बी पॉइंट पे, देखो बी पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, वो कहता है कि कोई वेंडर था जिससे हमने एसेट परचेस करे 10 लाख की, तो पहले ये एंट्री पास करो 10 लाख की आपने कोई एसेट परचेस करे। सो एंट्री पास है फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट हाउ मच 10 लाख। टू क्रेडिट में लिया आपने, टू वेंडर अकाउंट 10 लाख, लेकिन इसके बदले पहले इसको लिख लो फिक्स एसेट, इसके बदले में अपन क्या दे रहे वेंडर को, बीइंग द परचेज ऑफ फिक्स एसेट फ्रॉम वेंडर, बीइंग द परचेज ऑफ फिक्स एसेट फ्रॉम द वेंडर। ओके, अब उसके बाद क्या हो यहां पे कि वेंडर को पेमेंट देने की बारी, तो वेंडर को हमने पैसा नहीं दिए, उसको अपन ने डिबेंचर दिए, लेकिन वो डिबेंचर कितने के थे 12,50,000, तो हमें वेंडर को देना था 10 लाख रुपए, लेकिन हमने उसको दिए कितने की चीज 12,50,000 की, मतलब आपने यहां पे क्या हुआ 2,50,000 क्या हो गया, दैट इज डिस्काउंट, क्योंकि फेस वैल्यू 12,50,000 थी, तो वेंडर को दिए, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख, जो एक है पहले देख लो आप 214% डिबेंचर, तो हमेशा डिबेंचर किस में लिखते हैं अपन, फेस वैल्यू, तो जो आपने दी उसकी फेस वैल्यू 12,50,000 रुपए, इसका मतलब 2,50,000 का क्या हो गया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, बीइंग the issue of debenture, being the issue of debenture of rupees 12,50,000 to vendor. Okay, अब आते अपन C point पे, क्या कहता है C point में, कि कोई बैंक का तो उसके कहते कोलेटरल सिक्योरिटी, हमने लोन दी, तो लोन की तो एंट्री पास कर रहे हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट। अरे 12 लाख की आप 12,50,000 की आप चाहे तो, लेकिन वी हैव टू ऑल्टरनेटिव ना यहाँ पे, मेथड वन मेथड टू, पहला नो एंट्री, ये 12,50,000 की हो, 10 लाख का लोन दियो तो अपने को कर नहीं, 12,50,000 की करो नो एंट्री, और यू कैन से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, तो आप यहाँ पे पहले जो पैसा है उसकी एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट 10 लाख, बीइंग अ लोन ऑफ रुपीज 10 लाख taken from
बैंक बाय इश्यूइंग डिबेंचर्स, ठीक है, बाय इश्यूइंग डिबेंचर एज, यहां पर डिबेंचर, ओके, एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ओके। अब यहां पे बच्चों इस पे एक नोट लिख लेंगे, पर यहां पर आपकी यहीं पे, मैं नीचे यहीं पे लिख देता हूं नोट, नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ In the books of the company at the time of making issue of debentures as collateral security. ओके, तो वो कोलैटरल सिक्योरिटी उसकी एंट्री नहीं पास करे, चाहते तो अपन क्या अल्टरनेटिवली वी कैन पास एंट्री डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ओके। तो आई थिंक ऐसा एग्जामिनेशन में कभी आया है ऐसा क्वेश्चन, या आरटीपी में कहीं पूछो, होमवर्क सेक्शन में है, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर खत्म होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अब वो कहता है आपसे यहां पर, HDC लिमिटेड इशू 1,12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹94 ऑन 1 जनवरी 2020। अब उसने 1,00,000 डिबेंचर इशू करा, ₹100 का था, ₹94, तो ₹100 की चीज को ₹94 में उसने इशू करा, मतलब डिस्काउंट कितना है, ₹6 एक डिबेंचर पे। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने यहां पे, नंबर ऑफ डिबेंचर अगर आप यहां पे देखोगे वो है आपके 1,00,000, तो 1,00,000 डिबेंचर है, 1,00,000 बेटा डिबेंचर है यहां पे, और ₹6 का डिस्काउंट, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा, 6,00,000 का। आगे कहता है, अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू द डिबेंचर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, वो 5 साल बाद वो रिडीम होने वाले, मतलब वापस वो डिबेंचर्स को लेंगे, उसके बदले में उनको पैसा दे देंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट तो मैंने अभी वी नो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज 6,00,000, मगर आगे कहता है टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 ईयर, अगले 5 साल में उसको राइट ऑफ करना है। अब पहले इस चीज को समझना है, जब हम लोगों ने यहां पे अब यहां पे देखो, यहां पे रिडीम किस पे कर रहा है, उसने अपने को नहीं बोला है कि रिडीम किस पे करने वाला, लेकिन रिडीम जब आप प्रीमियम पे करते हो तो यू नो इट कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करते, ठीक है। उसी तरह आप जो भी डिस्काउंट का अमाउंट आपका रहता है बेटे, ये जो डिस्काउंट का अमाउंट आपका रहता है ना यहां पर, जब आपने डिस्काउंट पे इश्यू करे, अब रिडीम किस पे कुछ नहीं बोलता, उसमें मत करना अपने रिडीम किस पे, अपने को फिकर ही नहीं करना उसकी। अब यहां पे डिस्काउंट पे इश्यू कर रहा है, तो जिस तरीके से ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को आप राइट ऑफ करते, उसी तरह डिस्काउंट पे आपने जब इश्यू करे उसको भी राइट ऑफ करता है। यहां पर जब आपने डिस्काउंट पे करे उसे भी क्या करते, राइट ऑफ करते इश्यू, राइट ऑफ करने का मतलब होता है वो डिस्काउंट को अपने को कैंसिल करना होता है। जैसे याद है आपको, यहां पर बेटा हमने आपको बताया था, कोई क्वेश्चन किए थे जिस पे आप रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहे थे और इश्यू भी डिस्काउंट पे कर रहे थे, जिसको राइट ऑफ कर, इन दोनों को राइट ऑफ करना होता है। अब ये क्वेश्चन में रिडीम किस पे करा वो नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ बात ये डिस्काउंट वाले की बात कर रहा है। व्हाट डू यू मीन राइट ऑफ करना, उसको राइट ऑफ मतलब अपने को कैंसिल करना है। तो उसको एक साथ अब इमेजिन करो, यहां पर अपना कितना डिस्काउंट आ रहा है इस साल, जब अपन कैलकुलेट कर रहे तो डिस्काउंट कितना आ रहा है बच्चों, डिस्काउंट तो यहां पर आ रहा है मेरा ₹6,00,000, क्योंकि यहां पर ₹6,00,000 क्योंकि यहां पर आपका ₹1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हो तो आता 6,00,000। लेकिन अगर 6,00,000 डिस्काउंट को एकदम से मैं पीएनएल अकाउंट में पहले साल ही लेकर चले जाऊं तो मेरा बहुत एक्सपेंस हो जाएगा, एकदम से हो सकता है कि लॉस हो या प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा। तो वो जो डिस्काउंट होता है उसको एकदम से पीएनएल अकाउंट में पहले साल में नहीं लेके जाते, ओवर द ईयर हम उसको राइट ऑफ करते जाते। तो डिबेंचर की जितनी लाइफ होती है उसमें राइट ऑफ करते, तो ये डिबेंचर की लाइफ कितनी बोला उसने, 5 साल। तो जितना हर साल वो आउटस्टैंडिंग रहता है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा बेटा, जितना हर साल वो आउटस्टैंडिंग होता है आपका, उस किस प्रपोर्शन बांटे, क्वेश्चन नंबर 33 वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा वहां।
तो अभी आपने को समझना है कि 6 लाख रुपए राइट ऑफ करना है 5 साल में, तो 1 साल में कितना राइट ऑफ करना है, 6 लाख, 5 साल में राइट ऑफ करना है तो 6 लाख/5, 1 साल में करना है आपको 1,20,000। लेकिन ये एक्चुअल में किस प्रपोर्शन में राइट ऑफ होता है, जिस प्रपोर्शन में आपका डिबेंचर जो आपने अलॉट करे वो किस अमाउंट से आउटस्टैंडिंग है, तो आपका तो यह 5 साल एक जैसा अमाउंट ही आउटस्टैंडिंग है। आई मीन टू से कि आप 1 लाख डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, मैं उसको रिडीम तो अभी नहीं कर रहा हूं, रिडीम मतलब वापस तो डिबेंचर्स को अभी नहीं ले रहा हूं, इन डिबेंचर्स को मैं वापस कब लूंगा, 5 साल बाद में इन डिबेंचर्स को वापस लेने वाला, कब लेने वाला बच्चों, 5 साल बाद इन डिबेंचर्स को वापस लूंगा, तो पूरे 5 साल एक जैसा अमाउंट डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग रहेगा क्योंकि मैं उसे रिडीम नहीं कर रहा हूं अभी, 5 साल बाद वो कैंसिल होगा, 5 साल एक जैसा अमाउंट है, तो जिस प्रपोर्शन में आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसी प्रपोर्शन में डिस्काउंट अमाउंट को आप राइट ऑफ करते। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 5 साल बाद रिडीम कर रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आएगा वहां पे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से आप बाद में नहीं, थोड़ा 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 करके आप रिडीम करते हो, थोड़ा 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 करके वापस लेने वाले हो, तो आपका अमाउंट जो डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग रहता है वो चेंज हो जाता है, हर साल थोड़ा 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 चेंज होगा, तो वो चेंज होगा तो जिस प्रपोर्शन फिर आप डिस्काउंट को जो राइट ऑफ करेंगे वो भी चेंज होगा, वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते। तो अभी अपने को देखने 6 लाख रुपए कैसे राइट ऑफ करेंगे, 5 साल में कर देंगे अपन जो 32 क्वेश्चन है, 5 साल में कर देंगे, 1 साल में कितना, एक जैसा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है आपका वो, तो जिस प्रपोर्शन में अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसी प्रपोर्शन में 6 लाख को अपन राइट ऑफ करेंगे। सब आप लिखेंगे अभी यहां पे बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 398। लिख देता हूं यहां पर, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कम्स टू रुपीज 6 लाख, कि 6 लाख कैसे है, 1 लाख डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 6 डिस्काउंट था, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ईयर इज कैलकुलेटेड एज अंडर। ओके, ईयर एंड डिबेंचर आउटस्टैंडिंग आप लिखो, रेशियो इन विच डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कहां चले गए भैया पेज, अरे जस्ट वन मिनट, ओके, टू बी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, इतना लिखो पहले, लास्ट वाला कॉलम थोड़ा ब्रॉड रखना, कैलकुलेशन लिखूंगा वहां पे। ओके, अब बताओ 5 साल के लिए आपने डिबेंचर इश्यू करे, तो ये आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। अब 1 लाख डिबेंचर थे, उसकी फेस वैल्यू कितनी बेटा, 100 रुपए, तो डिबेंचर फेस वैल्यू पे लिखते हैं आपको पता है, तो कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो पहले साल
कि आखिरी में आपका कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग, तो पहले साल आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना, 1 करोड़, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 1 करोड़। क्या आपने पहले साल में, उसको पहले साल के बाद क्या उसने आपको रिडीम करे, नहीं, हम तो उसको पांचवें साल के आखिरी में रिडीम करेंगे। तो पूरे पांचों साल वो डिबेंचर का जो अमाउंट है वो कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा हमारा, 1 करोड़ वो आउटस्टैंडिंग रहेगा। ओके, 1 करोड़ वो आउटस्टैंडिंग रहेगा पांचों साल, कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा बच्चों, 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग रहेगा। अभी क्या हुआ यहां पे कि 1 करोड़ वो अमाउंट था और आपका पांचों साल वो 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो आप इसी प्रपोर्शन में डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करोगे। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना था हमारा, 6 लाख रुपए। तो ये 6 लाख अगर आप इस रेशियो में, इस रेशियो में आप उसको राइट ऑफ करोगे तो कितना होगा आपका, 1 1 1 1 1। तो आप यहां पे जब इसको राइट ऑफ करोगे बच्चों, से टोटल इस प्रपोर्शन में अपने को करना रहेगा, तो 6 लाख रुपए राइट ऑफ करना है 1:1:1:1 इस रेशियो में। सो अगर 6 लाख रुपए, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अगर 6 लाख रुपए 5 है तो 1 कितना, दैट विल कम 1,20,000। सेम पांचों केस में वैसे ही होगा, अगर 6 लाख 5 है तो फिर यहां पे 1 कितना मल्टीप्लाई बाय 1, 1,20,000। अगर 6 लाख 5 है तो 1 कितना, 1,20,000। अगर 6 लाख 5 है तो 1 कितना, 1,20,000। अगर 6 लाख 5 है तो 1 कितना, 1,20,000। तो टोटल आप राइट ऑफ कितना कर रहे, वही अमाउंट जो आपका टोटल आप राइट ऑफ कितना, जो आपका डिस्काउंट का अमाउंट है, दैट इज 6 लाख। लेकिन ये 6 लाख को आप खुद सोचो ना, एकदम से डिस्काउंट के अमाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर चले जाओगे तो उस साल तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा या हो सकता है लॉस हो जाए। तो आप इसको हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते, किस प्रपोर्शन में करते, जिस प्रपोर्शन में आपका डिबेंचर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग था। तो इस क्वेश्चन में तो हर साल 1 करोड़ ही आउटस्टैंडिंग था, क्योंकि आपने रिडीम आप कर ही नहीं रहे 5 साल में, 5 साल के बाद कर रहे, इसलिए 5 साल एक जैसा अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग था। अब आपको इसकी एंट्री क्या पास होती है, हर साल जब आप राइट ऑफ करते हो, तो हर साल जब आप राइट ऑफ करते हो, जैसे रफली यहां पे समझाने बता रहा हूं बेटे, अब क्या हो रहा है यहां पे, सपोज ये आपका डिस्काउंट अकाउंट है। अब आपने पहले साल जब डिस्काउंट दिए फर्स्ट ईयर, तो आपने यहां पे उसको कितने का डिस्काउंट है, 6 लाख रुपए का डिस्काउंट। लेकिन ये पूरे 6 लाख को आप एकदम से पीएनएल अकाउंट में नहीं लेके गए, आप पहले साल लेकर गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,20,000 रुपए। तो आपका बैलेंस आया 4,80,000 रुपए का बच्चों। अब ये बैलेंस आया तो आपने 1,20,000 ही लेगा, फिर आप आए सेकेंड ईयर में, तो ये सेकेंड ईयर में आपका बैलेंस था 4,80,000 रुपए। अभी 4,80,000 रुपए था, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये था आपका 1,20,000 रुपए, फिर सेकेंड ईयर में आपने राइट ऑफ करे, तो बैलेंस कितना बचेगा आपका, 3,60,000 रुपए। फिर ये थर्ड ईयर का बैलेंस आपका, थर्ड ईयर का बैलेंस आपका 3,60,000। फिर आपने थर्ड ईयर उसको पीएनएल अकाउंट में लेके गए, कितना लेके गए, 1,20,000। तो बैलेंस कितना बचेगा आपका यहां पे, 2,40,000। फिर आप फोर्थ ईयर में आए, फिर आपने फोर्थ ईयर में ये बैलेंस जो 2,40,000 का था पीएनएल में लेके गए, 1,20,000 रुपए। तो आपका बैलेंस कितना बचा, बैलेंस भी बचा 1,20,000 रुपए। अब आप आए आखिरी साल फिफ्थ ईयर में, फिर फिफ्थ ईयर में आपने ये जो बैलेंस था 1,20,000 उसको पीएनएल में लेके गए 1,20,000 को, तो बैलेंस आपका जीरो हो गया। फिर यहां पे आपने ये चीज ऑब्जर्व करें यहां पे एक चीज बेटा, कि आप एकदम से पूरा का पूरा 6 लाख पीएनएल में नहीं लेके गए, आपने उस बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल आपने थोड़ा थोड़ा बैलेंस पीएनएल अकाउंट में आपने लेके गए बेटा। तो एकदम से आप पीएनएल अकाउंट, अब फाइनल अकाउंट हुआ है आपका, तो पीएनएल अकाउंट में एकदम से लॉस नहीं रिफ्लेक्ट होगा,
ये प्रॉफिट कम नहीं होगा एकदम से, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसकी लाइफ डिबेंचर ही कितनी है, 5 साल। तो 5 साल में अपन उसको राइट ऑफ करें, किस प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में आपका ये आउटस्टैंडिंग। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 33। क्या कह रहे 33 क्वेश्चन, एचडीसी लिमिटेड इश्यू 2,12% डिबेंचर ऑफ रुपीज 10 ईच एट 9.4 एट रुपीज 9.4 ऑन 1st January 2020। अब डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, हमने कितने में इश्यू करे, 9.4 में। सो 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, हमने 9.4 में इश्यू करे, मतलब 0.6 का क्या हो गया यहां पे, डिस्काउंट हो गया। अंडर द टर्म्स ऑफ इश्यू 1/5 ऑफ द डिबेंचर आर एनुअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स, मतलब हर साल, 1/5 का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/5 का मतलब हर साल हम लोग 20% डिबेंचर्स को क्या करने वाले, रिडीम करने वाले। 1/5 मतलब 20% ना, 20% डिबेंचर रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स का मतलब होता है ड्रॉ सिस्टम रहता है। अब बहुत सारे डिबेंचर होल्डर 20% अपन नाम निकालेंगे हर साल और डिबेंचर्स को क्या कर लेंगे, रिडीम करेंगे। द फर्स्ट रिडेम्पशन अकरिंग ऑन 31st December 2020। तो पहला डिबेंचर आपने कब रिडीम करे, आपने रिडीम करे पहला डिबेंचर 31st December 2020। तो आप पहला आपने इशू कब करते, 1 January 2020 को, और पहला डिबेंचर आप रिडीम कब करे, first draw 31st December 2020, मतलब पहले साल के आखिरी में। तो एकदम से पहले साल के आखिरी में पूरे डिबेंचर रिडीम नहीं कर रहे, 20% करे, फिर 2020 करके था 5 साल में कर रहे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम 2020 टू 2024। 5 साल में आपको डिबेंचर का अमाउंट आप कैसे राइट ऑफ करोगे। अब यहां पे क्या हुआ कि पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है, पिछले क्वेश्चन में आपने एकदम से रिडीम नहीं कर दिया, आपने हर साल थोड़ा थोड़ा रिडीम नहीं कर रहे थे, आपने 5 साल के बाद उसको रिडीम कर दे। तो हर साल आपका डिबेंचर का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो एक जैसा था, 1 करोड़ रुपए था, वो 1 करोड़ रुपए था। लेकिन यहां पर क्या हुआ आपका, यहां पे हर साल आप 20% रिडीम करें तो जो आउटस्टैंडिंग का जो अमाउंट है, हर साल 20% आप रिडीम करें तो जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है यहां पे वो चेंज हो जाएगा। तो जिस अमाउंट से आउटस्टैंडिंग है उसी प्रपोर्शन में डिस्काउंट को अपन राइट ऑफ करते हैं। ओके, सब आप लिखेंगे, इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर लो। ओके, तो फिर यहां यही लिख लो, चलो क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर 390 है। टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कम्स रुपीज कितना आएगा, वो 2 लाख आपके डिबेंचर थे, 0.6 एक पे 1,20,000, 1,20,000 का टोटल डिस्काउंट कैसे आया, 2 लाख डिबेंचर्स थे और 60 पैसा एक पे डिस्काउंट, कैसा, 10 रुपए का था और आपने इश्यू करे 9.4 में, तो डिस्काउंट है 0.6। दी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ईयर is calculated as under, ठीक है, आपका नीचे वो टेबल बनाएंगे आप, मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा। At the year end, debenture outstanding before redemption ratio in which discount to be a written off amount of discount
टू बी रिटर्न ऑफ। सो यहां पे ईयर दिया हुआ है 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। अब ध्यान से बच्चों, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे आपके? नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे आपके 2 लाख। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने? 2 लाख। और आप डिबेंचर को फेस वैल्यू पे लिखे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करो, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे आप तो आ जाएगा 20 लाख। तो पहले साल कितने डिबेंचर्स, कितने अमाउंट आउटस्टैंडिंग था? 20 लाख। अब आपने 20% रिडीम करे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो 20 लाख में से 20 लाख का 20 हर साल 20%, तो 20 लाख का 20% 4 लाख, तो हर साल 4 लाख के डिबेंचर आप वापस ले रहे हो। तो सेकेंड ईयर कितने आउटस्टैंडिंग रहे? 16 लाख। थर्ड ईयर कितने रहे? 12 लाख। फोर्थ ईयर कितने रहे? 8 लाख। और फिफ्थ ईयर पूरे साल कितना आउटस्टैंडिंग रहे? 4 लाख। फिर फिफ्थ ईयर के एंड में 4 लाख भी ले तो फिर जीरो हो जाएगा। अब आपने को इस प्रपोर्शन में बच्चों इसको राइट ऑफ करना रहेगा, इस प्रपोर्शन में अपने को इसको राइट ऑफ करना है। तो यहां पे किस प्रपोर्शन में देखो, 20, 16, 12, 8 और 4 है ना, तो कितना आ रहा है? 36, 48, 50, 60। अब इस प्रपोर्शन में करना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है? 1,20,000। अगर 1,20,000, मैंने कहा अगर 1,20,000 60 है, टोटल है ना 60 है, तो 20 कितना? देखो ध्यान से स्क्रीन पे देखो, 1,20,000, 1,20,000 अगर 60 है तो 20 कितना? 1,20,000 अगर 60 है तो 20 कितना? सेकेंड ईयर में 1,00,000 अमाउंट लिखूंगा, 2 मिनट, 1,20,000 अगर 60 है तो फिर 16 कितना? तो फिर 16 कितना? 1,20,000 अगर 60 है तो 12 कितना? 1,20,000 अगर 60 है तो 8 कितना? 1,20,000 अगर 60 है तो 4 कितना? ओके, तो कितना हो रहा आपका? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ गया आपका 40,000। फिर यहां पे 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 16, ये आपका 32,000। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आपका 24,000। 1,20,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 8, यह आया आपका 16,000। 1,20,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 4, यह आया आपका 8,000। तो इस अमाउंट, यहां पे क्यों अमाउंट अलग अलग है? पिछले क्वेश्चन जब अपन राइट ऑफ करते एक जैसा अमाउंट था, यहां पे टोटल 6 लाख था, 1,20,000, 1,20,000 एक जैसा। यहां पे क्यों ऐसा अलग अलग आ रही है अमाउंट? इसीलिए क्योंकि आपने जो रिडीम करे हर साल कुछ कुछ, तो यहां थोड़ा थोड़ा 20%, तो यहां पे अमाउंट आउटस्टैंडिंग आपकी चेंज हो रही है, तो इसी प्रपोर्शन में अपन राइट ऑफ करते, टोटल आपकी आएंगी बराबर यहां पे 60,000 आना चाहिए, नहीं 16, टोटल कितना था डिस्काउंट? 1,20,000। तो टोटल 1,20,000। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 34। कब आएगी आरटीपी का? ये तो June 22 एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ऑन 1st of April 2020 XY Limited took over the asset of ₹4,50,000। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बेटा। 1 अप्रैल 2020 को हमने कोई कंपनी की एसेट को टेक ओवर करे, ठीक है, कितने की एसेट की टेक ओवर करे? 4,50,000 की। लाइबिलिटी थी ₹60,000 की। अभी अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो बेटा कि मैं एक कंपनी हूं, आपकी कंपनी को एसेट्स को मैंने खरीदा, ये अपना सी एंटर में भी आपको अमलगमेशन ये सब आएंगे, एब्जॉर्प्शन करके चैप्टर वहां बहुत डिटेल में, ये तो एकदम बेसिक है यहां पे। तो मैंने यहां पे आपसे 4,50,000 की कोई एसेट लिया, मैं आपकी कंपनी ले रहा हूं, तो मैंने 4,50,000 की एसेट लिया,
और उसके साथ ही साथ में मैंने आपकी कंपनी के लायबिलिटी भी ले लिया, और लायबिलिटी कितने की, ऑफ हिमालय हिमालयन लिमिटेड, तो आपकी कंपनी हिमालय लिमिटेड, मैं एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो मैंने आपकी कंपनी को टेक ओवर किया, आपकी कंपनी के एसेट्स लिया 4,50,000 में, और आपकी कंपनी की लायबिलिटी लिया 60,000 रुपए की। तो देखा जाए, अगर देखा जाए यहां पे, तो 4,50,000 रुपए की एसेट लिया, मैं यहां पे लिखता 4,50,000 रुपए की एसेट लिया, और लायबिलिटी भी मैंने टेक ओवर की 60,000 की। तो एक्चुअल में देखा जाए तो मैंने आपकी कंपनी से नेट एसेट कितने की दिया, मैंने आपकी कंपनी की नेट एसेट ले लिया 3,90,000 रुपए की। कितने की नेट एसेट लिया मैंने आपकी कंपनी की, 3,90,000 रुपए की, कि 4,50,000 रुपए की क्या है बच्चों एसेट है, और 60,000 रुपए की क्या है लायबिलिटी। तो 4,50,000 रुपए की एसेट है और 60,000 रुपए की लायबिलिटी है। तो नेट एसेट मैंने कितने के लिए, नेट एसेट मैंने लिया आपकी कंपनी के कितने के लिए बच्चों, 3,90,000 रुपए की नेट एसेट मैंने आपकी कंपनी की ले लिया। अब क्या हो बच्चों यहां पे, उसके बदले में मैं आपको दे रहा हूं, परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है उसके बदले में मैं आपको क्या दे रहा हूं। ऑब्वियसली जब मैं आपकी कंपनी की आप को नेट एसेट 3,90,000 की दे रहे हो तो मुझे कुछ देना पड़ेगा ना उसके बदले में, उसको हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। उसके बदले में मैं आपको 4,40,000 रुपए दे रहा हूं, तो इसके बदले में मैं 4,40,000 रुपए दे रहा हूं, इसका मतलब मैं आपसे जो चीज ले रहा हूं वो है 3,90,000 की, और उसके बदले में जो भी चीज दे रहा हूं वो है 4,40,000 की। तो मैं तो आपको ज्यादा दे रहा हूं, ज्यादा दे रहा हूं, तो मैं आपको क्यों ज्यादा दू, है ना, 3,90,000 की चीज मैं आपसे नेट में 3,90,000 की चीज आपसे ले रहा हूं और 4,40,000 की चीज मैं आपको दे रहा हूं, तो मैं आपको ज्यादा दे रहा हूं, तो क्यों ज्यादा दे रहा हूं। जब भी कोई ऐसा आप ज्यादा परचेस कंसिडरेशन देते हो तो उसको हम कहते हैं गुडविल। तो जो मैं आपको ज्यादा पैसे जो यहां पे 50,000 रुपए दे रहा हूं वो किस चीज के, गुडविल के। अच्छा थोड़ा सिचुएशन बदलते, ये क्वेश्चन में नहीं है लेकिन सिचुएशन बदलता हूं, वो आप पढ़ोगे इंटर में एब्जॉर्प्शन में। मैंने आपसे 3,90,000 की चीज सपोज नेट लिया, है ना, नेट एसेट मैंने 3,90,000 की लिया, उसके बदले में अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको 3,00,000 रुपए दे रहा हूं परचेस कंसिडरेशन, तो मैं तो आपको कम अमाउंट दे रहा हूं, 3,90,000 की चीज ले रहा हूं, 3,90,000 की चीज मैं आपसे ले रहा हूं, 3,90,000 की चीज ले रहा हूं, उसके बदले में कितना दे रहा हूं मैं आपको, 3,00,000 दे रहा हूं, तो मैं तो आपको कम अमाउंट दे रहा हूं ना, तो जब बेटा मैं आपको कम अमाउंट दे रहा हूं तो वो तो मेरा फायदा हो गया, तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं क्योंकि कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। तो मैं आपको ज्यादा दे रहा हूं तो मैं आपकी गुडविल है इसीलिए ज्यादा दे रहा हूं, इसको हम गुडविल, इसलिए गुडविल में लेके जाते। अगर मैं आपको कम दे रहा हूं इस तो मेरा फायदा हो गया, तो उसको वो अमाउंट जितना कम दे रहा हूं दैट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इसकी भी एंट्रीज भी आगे मैं आपको बताऊंगा। इट पेड द परचेज कंसेशन बाय इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम ऑन सेम डेट। अब उसके बदले मैंने आपको डिबेंचर्स दिया परचेज कंसेशन के बदले में डिस्काउंट पे दिया 10%। एंट्री कैसे पास करें पर आगे बात करेंगे। Now XY Limited issue another 3,008% debenture of ₹100 at discount of 10% redeemable at premium of 5% after 5 years. According to the terms of the issue, ₹30 is payable on application and balance on the allotment on debenture. It has been decided to write off the entire loss on issue of discount in the current year itself. Okay, you are required to pass the journal entries in the books of XY Limited for the financial year 2021. तो दो अलग चीजें, पहला वाला आपने कोई कंपनी की एसेट लायबिलिटी ले रहे हो उसके बदले में परचेस कंसीडरेशन दिया ऑल, सेकंड पैरा एक अलग है, पब्लिक में आपने डिबेंचर्स वहां पे इशू करे, ठीक है। अब तो अपन पहले वाला पैरे की पैरा जो उसके बारे में बात करते हैं, सेकंड पैरा जो उसकी एंट्रीज पास करते हैं। तो पहले आप यहां पे हेडिंग दे दो, इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 34 पेज नंबर 398 इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड जर्नल एंट्रीज अराउंड एक पेज लगेगा, आप लिखेंगे कब उसने फर्स्ट अप्रैल में, ठीक है। तो 2020
अप्रैल मंथ, ठीक। अब आपने देखो समझना पहले एंट्री, मैंने आपसे एसेट लिया, एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस, तो एसेट मैंने आपसे लिया, एसेट कितने की, एसेट है आपकी 4,50,000 रुपए की, तो 4,00,000 फर्स्ट अप्रैल, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स, बहुत सारी एसेट्स होंगी, जो एसेट्स थे वो मैंने आपसे लिया, तो एसेट अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट 4,50,000 रुपए। लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं ना, डिक्रीज इन सॉरी इंक्रीज इन लाइबिलिटी, वो भी ले रहा हूं क्रेडिट, एक लाइन का स्पेस रखना और फिर लिखना आपने टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। तो मैं आपसे जो लाइबिलिटी ले रहा हूं वो कितने की लाइबिलिटीज ले रहा हूं, 60,000 रुपए। तो नेट एसेट मैंने कितने से लिया आपसे, 3,90,000 रुपए की बेटा, लेकिन मैं आपको दे रहा 4,50,000, तो मुझे आपको देना है, मुझे आपको 4,50,000 देना है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी 4,40,000, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी मुझे आपको देना है, ये नेट एसेट हो गई बेटा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट, मुझे आपको देना है, दैट इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी 4,40,000। तो आपका नाम है हिमालय लिमिटेड, हिमालयन लिमिटेड अकाउंट 4,40,000। तो देखो बैलेंस आ रहा है यहां पे, डेबिट साइड शॉर्ट जा रहा है 50,000 रुपए का, तो मैं लॉजिक बता, दिस इज गुडविल। तो मेरे को 3,90,000 देना था, 3,90,000 देना था, मगर मैं आपको एसेट मैंने आपसे लिया 4,50,000 की, लाइबिलिटी लिया 60 की, तो 3,90,000 मुझे आपको देना चाहिए था, ये थी आपकी नेट एसेट, मैं आपको दे रहा हूं 4,40,000। तो मैं ये हो गया परचेज कंसिडरेशन, मगर इसका मतलब मैं आपको ज्यादा दे रहा हूं 50, तो ये हो गया गुडविल, अगर कम देता तो वो कैपिटल रिजर्व होता है, ओके। तो यहां पे लिखो आप गुडविल, अब यहां पे इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में इसमें अकाउंट डेबिट या बैलेंसिंग फिगर लिख दिया, लेकिन लॉजिक मैंने आपको बताया 50 कैसे आया अकाउंट डेबिट, ओके। बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर फॉर ए नेट कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 4,40,000। ओके, अब आपने हिमालय लिमिटेड को अपने को लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना है, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, तो हिमालयन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, तो यहां पे लिखो हिमालयन लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब बच्चों 4,40,000 रुपए अपने को देना है, कितने 4,40,000, लेकिन वो क्या बोल रहा है, मैंने गलती से जब वहां पे ना एट ए 10% प्रीमियम था, आई थिंक मैंने गलती से डिस्काउंट बोल दिया था जब, ठीक है 10% प्रीमियम पे। अब इसको अच्छे से समझना बेटा, 100 रुपए का डिबेंचर अपन 10% प्रीमियम पे दे रहे, तो आपने को देना टोटल 4,40,000 ही है, तो यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यहां पे कितने नंबर ऑफ डिबेंचर दे रहे हो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स का एक फॉर्मूला ख्याल रखना बेटा, जब आप कैलकुलेट करते हो ना, अदर देन कैश कंसिडरेशन हो रहा है, तो आपका परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, ये फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। तो परचेज कंसिडरेशन है 4,40,000, इश्यू प्राइस है आपका वो 10% प्रीमियम है, तो 110 हो गया, तो 4,40,000 डिवाइडेड बाय 110 आप करोगे तो वो आता है 4,000, तो 4,000 डिबेंचर आप इश्यू कर, कितने डिबेंचर इश्यू करो 4,000। तो यहां पर आपने हिमालयन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 8% डिबेंचर अकाउंट, तो 4,000 डिबेंचर्स और 100 रुपए का एक, तो इस पे फेस वैल्यू आती है वो आ गया आपका 4,00,000। तो 4,000 डिबेंचर कैसे है, फॉर्मूला याद रखना, जब भी अदर देन कैश कंसिडरेशन तो आप निकाल सकते हो कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, तो पीसी डिवाइड बाय इश्यू प्राइस, तो पीसी कितना है, पीसी इज परचेज कंसिडरेशन, पीसी कितना है आपका 4,40,000, इश्यू प्राइस 110 है डिवाइड बाय 110, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ गया 4,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 4,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम 10 रुपए, तो ये आ गया आपका 40,000।
बीइंग 4000 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इश्यूड issued at a premium of 10% अभी जो पहला पैरा क्वेश्चन में दिया था ना उसके बारे में अपने सारी चीज कर ली है। अब उसके बाद वो कहता है कि मार्केट में उसने डिबेंचर्स दूसरे इशू किया, फिर यहां पे एक्स वाई लिमिटेड इशू अनादर 3000 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा ये डिस्काउंट पे था, तो आपने मार्केट में 10% डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू करे जो कि रिडीम करने वाले प्रीमियम पे। तो मैंने आपको कहा था बड़ा ही ध्यान से, जब भी उसने कहा कि रिडीम प्रीमियम पे करने वाले, तो यू नो इट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, तो ये प्रीमियम पे रिडीम होगा एट 5% आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द इश्यू, अब आपने 100 रुपए का 10% डिस्काउंट है तो 90 रुपए आना चाहिए, तो 30 रुपए एप्लीकेशन के वक्त और बैलेंस अपने को अलॉटमेंट के वक्त देने वाला है। और उसने राइट ऑफ में आगे एक एक करके आता हूं वन बाय वन। तो पहले आपको एप्लीकेशन का पैसा आया, तो आप यहां पे लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो आपने कितने डिबेंचर्स से जो मार्केट में इशू कर रहे हो, 3000 डिबेंचर और एक डिबेंचर पे 30 रुपए एप्लीकेशन पे, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 30 वो आ रहा आपका 90,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। सो बीइंग द एप्लीकेशन मनी received for 3000 8% debenture. Okay, done. अब आप debenture application के बैलेंस को अपन कहां ट्रांसफर करते, debenture account में। अलॉटमेंट पे अभी आएंगे अपन, ठीक है, वो डिस्काउंट सब लिखेंगे, इतना स्पेस नहीं लगेगा और हाफ पेज लगेगा, मैं लिख दे रहा हूं। ओके, अब आप लिखेंगे आप यहां पे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 टू 8% डिबेंचर अकाउंट 90,000 बीइंग 3000 8% डिबेंचर्स अलॉटेड। ओके, अब अपन आते अलॉटमेंट की बात, नहीं सॉरी मैंने being 3000 8% debentures, just one minute, being balance of debenture application transferred to debenture account, ऐसे लिख लो, being balance of debenture application balance transferred to debenture 8% debenture account। अब आप allotment due होगा, याद रखना डिस्काउंट है यहां पे, तो पहले आपको सिखाया था पहले नॉर्मल एंट्री पास करना, तो 100 रुपए का डिबेंचर है 30 रुपए एप्लीकेशन पे बुलाए, 60 रुपए 60 रुपीज अलॉटमेंट पे बुला रहे 10 रुपए का डिस्काउंट, तो पहले नॉर्मल एंट्री पास करना डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट अकाउंट डेबिट 3000 डिबेंचर्स है और अलॉटमेंट पे ड्यू कितना हो रहा है, अपन बुला कितने रहे 60 रुपीज, 3000 मल्टीप्लाई बाय 60 आ रहा है 1,80,000। डिस्काउंट है आपका, डिस्काउंट
ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 3000 डिबेंचर है और डिस्काउंट है 10 रुपए का, ये कितना हो गया 30,000। एक लाइन का स्पेस रखना। टू, 8% डिबेंचर अकाउंट, 8% डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू इसमें जाती है 3000 डिबेंचर, फेस वैल्यू 70 रुपए, 30 ऊपर हो गई है, तो ये आ गया आपका 2,10,000। ये आपने नॉर्मल एंट्री पहले पास करे। अब आपको सिखाया था जब भी रिडीम प्रीमियम पे होने वाला है तो आप क्या करते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने भी रिडीम हो रहा है 5% प्रीमियम पे, तो 3000 डिबेंचर 100 रुपए फेस वैल्यू 5% प्रीमियम, 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो वो आपका 15,000 रुपए। टू, डिबेंचर या डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एक ही चीज है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट वही हमारे 15,000 रुपए। तो ये एंट्री बहुतों को नहीं जमती, मगर इसमें पहले मैंने आपको बार बार क्यों, पहले आपने नॉर्मल एंट्री पास करना और अगर प्रीमियम पे रिडीम हो तो प्रीमियम वाले अमाउंट से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट और क्रेडिट, रिडेम्पशन प्रीमियम और रिडेम्पशन, रिडेम्पशन डिबेंचर प्रीमियम, ओके डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम एक ही चीज है। ओके, अब क्या हुआ, इसको पहले लिख लो, नरेशन लिख लो, फिर मैं कुछ और एक्सप्लेन कर रहा हूं। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 3000 8% डिबेंचर्स एट 10% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। अब उसने क्वेश्चन में अपने से कहा कि उसको राइट ऑफ करना होता है, तो मैंने आपको सिखाया था कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो होता है आपका, इसको आप राइट ऑफ करते हो। लेकिन ये चीज मैंने पहले से भी आपसे कहा था बच्चों, ये पहले भी कहा था कि जब ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को जो डिबेंचर की लाइफ है उसमें राइट ऑफ करते, लेकिन जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है तब भी अपन ने करे ना पिछले दो क्वेश्चन, डिस्काउंट वाले अमाउंट को भी राइट ऑफ करते जितनी उसकी लाइफ रहती उसमें। तो उसने अपने से क्वेश्चन में कहा कि यहां पे इट हैज बीन डिसाइडेड टू राइट ऑफ द एंटायर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो एंटायर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भले इसने टर्म यहां पे यूज किया, मगर यहां पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये डिस्काउंट इज ऑल्सो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है ना, तो ये एंटायर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हुआ दोनों को मिला के, एंटायर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ख्याल रखना बेटे। तो ये अगर इंस्टीट्यूट के मटेरियल को देखोगे तो उसने तो कंबाइन करके लिखा ये 30,000 और 15,000 45,000 रुपए, आरटीपी उठा के देखना आप अटेम्प्ट की, तो 30 और 15 45 में कंबाइन उठा के लिखा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा 45,000 आया कहां से, इसलिए ऐसे बताना पड़ता है कि 30 अलग है 15 अलग है, लेकिन जब राइट ऑफ करते हो तो दोनों का राइट ऑफ करते हो, एंटायर अमाउंट 45 विल बी राइट ऑफ। तो राइट ऑफ कैसे करते हैं अपन आगे एंट्री उसकी पास करेंगे बेटे, ठीक है। अब अपने को अलॉटमेंट का पैसा आएगा कितना आएगा 1,80,000 रुपए, तो आप एंट्री पास करेंगे यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपीज टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000 रुपए, बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बींग द अलॉटमेंट मनी रिसीव, ओके ध्यान से। अब यहां पे उसने क्या कहा क्वेश्चन में, पूरे के पूरे अमाउंट को राइट ऑफ कर दो। वैसे जनरली अपन क्या करते हैं, जो उसकी लाइफ होती है डिबेंचर उस लाइफ में राइट ऑफ करते, तो आपको सिखाया था अपन एक क्वेश्चन यहां पे बताया बेटा, इस तरह राइट ऑफ होते जाता है बेटा, लेकिन यहां पे उसने एंटायर अमाउंट को एक ही साल में बोला, तो इसको पूरा राइट ऑफ करो, इसके एंट्री पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पीएल में डेबिट करेंगे
टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लेकिन ये भी कर डिस्काउंट ऑफ इश्यू, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ओके डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज ऑल्सो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो आपका इज ऑल्सो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लेकिन उसको अलग अलग इस तरह लिखते हैं। तो आप राइट ऑफ करोगे बच्चों साल के आखिरी में, तो मार्च ये 2021 मार्च 31 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट पूरा 45 उसने एंटायर एंटायर मतलब पूरा 21 साल में कर दो, चलो भाई उसने बोला है तो कर दो, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, वो था आपका 30,000, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट वो था 15,000। याद रखना बेटे बहुत से लोग इसको कंबाइन करके लिखते, जैसे इंस्टीट्यूट ने इसको कंबाइन करके लिख दिया, वो भी सही है और ये भी सही है, बोतार दोनों सही, तरीका अलग है दोनों सही। ये कंबाइन लिख देते लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ब्रैकेट में लिख देते 30 और 15 45 यहां लिख दिए, मगर बेहतर है अलग अलग डिस्काउंट है और ये प्रीमियम और रिडेम्पशन था। अब यहां पे इसको राइट ऑफ करे तो उसको कैंसिल कर दिया, वहां पे डेबिट किया यहां पे कैंसिल करे क्रिएट करके, बीइंग द एंटायर लॉस, एंटायर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, ओके। तो ये सारी जनरल एंट्रीज आपने यहां पे पास कर ली। ये क्वेश्चन आरटीपी का इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं थे, एग्जाम में भी नहीं आया, मुझे लगता है कि कोई अटेम्प्ट में शायद इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ओके। तो क्वेश्चन हम लोग का यहां पे खत्म होता है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 399। ओके ध्यान से बच्चों क्या कह रहा हूं आपसे, एक कंपनी इश्यू 12% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10,00,000। अब डिबेंचर की फेस वैल्यू 10,00,000 रुपीज है, अमाउंट रुपीज है, एट 10% डिस्काउंट, मतलब 10% फेस वैल्यू 10,00,000 की 10% डिस्काउंट, मतलब 1,00,000 रुपए डिस्काउंट हो गया। ऑन 1 जनवरी 2017 डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स 10% वॉज payable on 30 June and 31 December every year. All the debenture were to be redeemed after the expiry of 5-year period at 5% premium. Okay. अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। अब यहां पे क्या हो गया, ये आपका TDS वाला एक कंसेप्ट आ गया, ओके TDS वाला एक कंसेप्ट है, ध्यान से इस चीज को आप समझेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते बेटे, TDS के कंसेप्ट को अपन समझ लेते फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अब ध्यान से इस TDS के कंसेप्ट को समझेंगे, होती क्या चीज है। आप बोलेंगे सर क्या होता है टैक्स, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो पहले कंसेप्ट समझ लें। फॉर एग्जांपल बेटा यहां पे ये है आपकी एबीसी लिमिटेड, ठीक है, अपन क्वेश्चन वाला यहां पर ए कंपनी ना, अच्छा ठीक है, ये आपकी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, कंसेप्ट को अच्छे समझेंगे। तो कंपनी आपकी एबीसी लिमिटेड, यहां पर ये इसके डिबेंचर होल्डर्स, ये कौन है, ये है डिबेंचर होल्डर्स, ये आपके डिबेंचर होल्डर्स है। अब डिबेंचर होल्डर्स जो आपके यहां पर हैं, ये आपके डिबेंचर होल्डर्स, तो डिबेंचर होल्डर्स जो आपके हैं यहां पे, इन लोगों को हमने को क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। सपोज आपसे यू नो इट कि जब शेयर्स आप किसी को इश्यू करते तो हम उनको क्या देते, डिविडेंड देते, लेकिन डिबेंचर होल्डर से जो पैसा लेते उनको क्या देते, इंटरेस्ट देते। तो ये मेरे डिबेंचर होल्डर हैं, मैंने इनसे डिबेंचर इशू किया था इनको, तो मुझे इनको इंटरेस्ट देना। अब जो इंटरेस्ट देने की बारी आई बेटा, सपोज मैं कहता हूं एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल ये तो क्वेश्चन अपन बाद में यहां पे लिखेंगे,
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का कंसेप्ट यहां पे डिस्कस कर रहे हैं अपन, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का कंसेप्ट अपन यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब क्या चीज हुई यहां पे कि मुझे जब इंटरेस्ट देने की बारी, सपोज मैं कहता हूं कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सपोज आता है, इंटरेस्ट का अमाउंट सपोज एग्जांपल के तौर पे आता है 100 रुपीज, कितना है 100 रुपए। लेकिन जब 100 रुपए आप डिबेंचर होल्डर है, मुझे आपको इंटरेस्ट सपोज देना है 100 रुपए, तो जब इंटरेस्ट देने की बारी है 100 रुपए, तो हमारे इंडिया में बहुत से कानून है, उसमें एक इनकम टैक्स एक्ट है, वो कानून कहता है कि आप सी इंटर में पढ़ोगे सारी चीजें, मगर यहां पे थोड़ा सा है हमको तो यहां पढ़ना पड़ेगा अभी, तो वो कानून हमसे कहता है कि नहीं ये 100 रुपए पूरे के पूरे डिबेंचर होल्डर के हाथ में मत दो, मैं तो कंपनी हूं, मेरे पास से 100 रुपए जाना है। मैंने क्या कहा बेटा कि मैं हूं कंपनी, मेरे पास से 100 रुपए जाना है तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, सॉरी मेरे जेब से 100 रुपए जाना है। लेकिन वो कहता है, वो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि पूरा का पूरा 100 रुपए डिबेंचर होल्डर के हाथ में मत दे दो, कुछ प्रतिशत उसका हमें दो, किसको दो, सरकार को दो, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि मेरे जेब से तो 100 रुपए ही जा रहे, सपोज एक कुछ है नहीं यहां पे, ठीक है, सपोज मैं कहता हूं कि ये है मेरे पास 100 रुपीज, ये कितने रुपए बच्चों, सपोज ये 100 रुपीज, तो गवर्नमेंट कहती है 100 रुपीज मेरे को, मेरे जेब से 100 ही जा रहे, लेकिन 100 में से आप डिबेंचर होल्डर को 90 रुपीज दो और 10 गवर्नमेंट को दो, 10 किसको, तो गवर्नमेंट को। तो ये हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये कंपनी क्या करेंगी, मुझे जब इंटरेस्ट देना है तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसमें से कुछ पैसा दूंगा, तो मैं ये 100 में से 10 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहा हूं, 10 किसे दे रहा हूं बच्चों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहा हूं, और 90 मैं किसको दूंगा, डिबेंचर होल्डर को। तो आप अगर यहां पे ऑब्जर्व करते हो तो मेरे जेब से तो 100 ही जा रहे हैं, मैं 10 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहा हूं और 90 रुपीज किसको दे रहा हूं, डिबेंचर होल्डर को, मेरे जेब से 100 ही गए, लेकिन कानून ये कहता है कि पूरा पूरा डिबेंचर होल्डर के हाथ में मत दे दो, कुछ गवर्नमेंट को दो, टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, अब इसकी जब आप एंट्री पास करोगे तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, अब इसकी जब एंट्री अगर अपन यहां पे देखें तो क्या एंट्री इसकी पास होंगी, तो मैं जर्नल एंट्री यहां पे लिखता हूं इसकी कि क्या एंट्रीज होंगी। पहला, डिबेंचर इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो मैं यहां पे डिबेंचर इंटरेस्ट जो है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, मैं जो दे रहा हूं 100 रुपए, सर वो तो 90 नहीं, मेरे जेब से तो 100 ही जाने वाले ना, सही बात है, तो इंटरेस्ट 100 ही है, बस वो इंटरेस्ट 10 मैं सरकार को दे रहा हूं और 90 में डिबेंचर होल्डर को दे रहा हूं, तो मुझे डिबेंचर होल्डर को देना है इंक्रीज इन लायबिलिटी, सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट इंक्रीज इन लायबिलिटी कितना देना है, 90 रुपीज, तो 100 में से 100 रुपए का इंटरेस्ट है, 90 इंक्रीज इन एक्सपेंस तो डेबिट करा, डिबेंचर होल्डर को देना है, किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को, इंक्रीज इन लायबिलिटी कितना लेकिन 90, और 10 रुपए मुझे गवर्नमेंट को देना, उसे हम कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो टीडीएस पेबल मैं कह देता हूं उसको, टू टीडीएस पेबल अकाउंट वो है 10, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्योंकि मुझे देना है गवर्नमेंट को, यहां मुझे देना है डिबेंचर, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। अब जब मैं इनको पेमेंट करूंगा तो नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करूंगा डिक्रीज इन लायबिलिटी, सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 90, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट 10, टू कैश और बैंक अकाउंट मेरे पास से 100 रुपए चले गए, तो गए तो 100 रुपए ही मेरे पास से, लेकिन 90 मेरे पास मैंने दिया डिबेंचर होल्डर को और 10 मैंने टीडीएस पेबल और गवर्नमेंट को, टू टीडीएस और टैक्स दिया 10 रुपए गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये कंसेप्ट होता है टीडीएस का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप डिबेंचर होल्डर को नहीं देते, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स आप कुछ किसको देते, गवर्नमेंट को, अपनी मर्जी से नहीं देते, लॉ है, यू नो, जब मैं अभी आपसे जब टीचिंग कर रहा हूं मैं, तो जब मैं टीचिंग करता हूं मुझे जो पेमेंट आती है ना, जो पेमेंट आती है तो उस पर भी लॉ है, टैक्स डिडक्ट होकर जाता है 10%, तो जो भी पेमेंट मेरे को आती है उसका 10% डिडक्ट होता है टीडीएस,
सपोज एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख रुपए मुझे आना चाहिए था, तो मुझे 9 लाख रुपीज आए और 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को जमा हो गया, तो इट्स लाइक कि मेरा टैक्स पहले से गवर्नमेंट के पास जमा है, तो फिर वो एक अलग चीज है, फिर मैं इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता हूं, तो ऑलरेडी मेरा टैक्स पहले से जमा रहता है कुछ गवर्नमेंट के पास। एनीवेज, ये एंट्री आपको समझ में आई बच्चों? ओके, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 399। वो कहता है कंपनी इशूड 12% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 लाख एट 10% डिस्काउंट ऑन 1st of January 2017। डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स 10% उसने डिबेंचर इंटरेस्ट जब देता है उसमें 10% उसमें टीडीएस कटता है, जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को हर साल वो देता है। ऑल द डिबेंचर वेयर टू बी रिडीम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर पीरियड एट, अरे यहां पर भी रिडीम, अच्छा क्वेश्चन है, इशू डिस्काउंट पे, रिडीम प्रीमियम पे, टीडीएस भी है, सब है इसमें। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2020। ओके, तो यहां पे लिखो जर्नल एंट्रीज, ओके जर्नल एंट्रीज, एक पेज लगेगा। ओके, सो 1st of January 2017, एक सेकेंड, उसने अच्छा एंट्री किस साल की पूछा, ऐसे कैसे पूछा उसने, डिस्काउंट में इशू करा उसने तो ये 2020 है, 31st और ये आप उसने इशू किया, तो इशू की भी एंट्री पूछेगा ना, इसको करेक्ट कर लो, एक काम कर लो, इसको 2020 कर लो, जस्ट गिव मी 1 मिनट ना, इसको करेक्ट कर लो क्वेश्चन, ये 2020 है बेटा, 2017 जो है उसको 2020 कर लो, करेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहां लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 10% डिस्काउंट है, तो 10 लाख रुपए अमाउंट दिया उसने फेस वैल्यू माइनस 10% क्योंकि वो डिस्काउंट है, तो 9 लाख रुपए, सो बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और साथ में दिख लेते हैं, तो आप डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है ना, रिडीम आप प्रीमियम पे करने वाले हो 5%, ओके डिस्काउंट, और साथ में भी लिख सकते हो उसको डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इनर कॉलम पे मैं पहले लिख लो 1 लाख रुपए, वो बोलेंगे सर इनर, अरे वो भी है ना लॉस ऑन इश्यू, रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, तो साथ में भी लिख सकते हो डिस्काउंट और लॉस का, ठीक है 1 लाख लिखा, अब एक लाइन की स्पेस की जरूरत नहीं है। 12% डिबेंचर अकाउंट, पहले आपने नॉर्मल एंट्री पास कर, कंफ्यूज तो नहीं होंगे, कंफ्यूज मत होना, ये तो अलग अलग ही बता देता भाई, बाद में कंफ्यूज होंगे, रुको कंफ्यूज हो जाऊंगे ना, फिर कंफ्यूज मत होना बेवजह। देखो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, एक लाइन का स्पेस रखना, 12% डिबेंचर अकाउंट 10 लाख रुपीस। अब यहां पे लॉस ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो 5% है, फेस वैल्यू आपकी है कितनी 10 लाख, प्रीमियम पे रिडीम करे 5%, तो आ गया आपका 50,000। आप चाहते तो कंबाइन ये 1 लाख और ये 50 को कंबाइन भी लिख सकते थे, 1,50,000। यहां पे 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 50,000, ओके बीइंग इश्यू ऑफ
डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब डिबेंचर एप्लीकेशन के बैलेंस को आप ट्रांसफर को ट्रांसफर करते, लेकिन आपका अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन इसलिए आप चाहते तो लिख भी सकते थे बेटा, लेकिन वो यहां पर उसने ना डिबेंचर इशू करा, उसने ऐसा स्पेसिफिक मतलब आप पे ऐसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग नहीं दिया, तो मैंने यहीं पर 12% डिबेंचर लिख लिया। तो आप एप्लीकेशन भी लिख सकते थे, फिर एप्लीकेशन को आप डिबेंचर में ट्रांसफर बोथ आर करेक्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ता ठीक है, क्योंकि अलग अलग पैसा नहीं बुला रहा। अब यहां पे बेटा इंटरेस्ट वाला मेन जो पार्ट है अपना, कि अपने को इंटरेस्ट देना, आपने कब इशू करे साल के शुरुआत में, 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को आपने इशू करे ठीक है। अब आप यहां पे उसको 30 जून को इंटरेस्ट दे रहे हो और 31 दिसंबर मतलब 6-6 महीने में दे रहे हो, तो यहां पे 30 जून 2020 तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अब कितना इंटरेस्ट दे रहे हो। एक चीज ख्याल रखना, हमेशा ख्याल रखना कि इंटरेस्ट हमेशा हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू पे देते, हमेशा ख्याल रखना। तो फेस वैल्यू कितनी है आप लोगों की, 10 लाख रुपए, इंटरेस्ट कितना है आपका ये 10 पर यहां पे लिखा ना 12% डिबेंचर, 12% इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, 6 महीने का, तो 10 लाख का 12% 6 मंथ कितना आ गया आपका 60,000 रुपए, 60,000 ठीक है। टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अभी आपने देखे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल, सो टू टीडीएस कितने परसेंट बोला उसने 10% ठीक है। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, तो ये जो इंटरेस्ट अपने को देना है डिबेंचर होल्डर को 60,000 का 90% ही देंगे क्योंकि 10% टीडीएस है, तो ये आ रहा आपका 54,000 टीडीएस बोलो या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट वह आपका 10% 6,000 ओके, बीइंग इंटरेस्ट पेबल ड्यू। अब अपन ये पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर को कितना देना अपने को 54, टैक्स कितना देना है 6, तो ये एंट्री पास करेंगे आप डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल टू बैंक, सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 54,000 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक अकाउंट 60,000 बीइंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड TDS, being payment of interest and TDS. अब उसके बाद बेटा फिर से सेम ये दोनों एंट्री होंगी 31 दिसंबर 2020 का, फिर इंटरेस्ट साल में 6-6 महीने में दे रहे, तो फिर से सेम ये दो एंट्री पास होंगी, डिबेंचर अमाउंट भी सेम रहेगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 60,000 सेम जो ऊपर पिछली दो एंट्री वैसी, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट नॉट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 54,000 टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट 6,000 बीइंग इंटरेस्ट पेबल
ड्यू, अब उसकी पेमेंट करेंगे अपन डिबेंचर होल्डर को और टैक्स पे करेंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 54,000, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक अकाउंट 60,000 बीइंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टीडीएस। ओके, अब इधर एंट्री पास कर ले, साल के आखिरी में दो चीज होंगी, डिबेंचर इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, उसके बैलेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और आपका दूसरा जो आपका यहां पे डिस्काउंट और लॉस इन ये जो ये दोनों को मैंने बताया जब आप राइट ऑफ करते तो इस दोनों को राइट ऑफ करना अपने को रहेगा, इस दोनों को राइट ऑफ करना रहेगा। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला उसने कि पूरा का पूरा इसी साल कर दो, ऐसा नहीं कहा उसने। तो जितनी लाइफ है इसकी, लाइफ कितनी है यहाँ पे डिबेंचर्स की, 5 साल है, तो ये 150,000 रुपए को 5 साल में करेंगे तो 30,000 रुपए एक साल राइट ऑफ करेगी। तो दो एंट्री पहले आप यहां पे लिखो, डिबेंचर इंटरेस्ट का बैलेंस कितना आ रहा है, डिबेंचर इंटरेस्ट का बैलेंस कितना आ रहा है, ओके। सो यहां पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अगर आप देखो तो आपका एक ये है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहां पर 60,000 का, ये डिबेंचर इंटरेस्ट और ये डिबेंचर इंटरेस्ट है बेटा 60,000, 60 60 1,20,000। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट अगर आप देखा जाए यहां पे तो आपने उसको ये, मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूं आपसे, डिबेंचर इंटरेस्ट आपने पहले 60,000 रुपए से डेबिट करे, फिर 60 से डेबिट करें, तो इसका जो बैलेंस आ रहा है 1,20,000, इसको आप ट्रांसफर करते पीएनएल में। तो आपने कौन से अकाउंट को क्रिएट करे, डिबेंचर इंटरेस्ट को, और ट्रांसफर करे पीएनएल में, तो एंट्री पास होंगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 1,20,000 बीइंग ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर, ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, अब जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर उसका राइट ऑफ करेंगे, तो वो भी आपके पीएनएल में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, 1,00,000 रुपए का डिस्काउंट था, उसको 5 साल में, क्योंकि लाइफ 5 साल है ना बेटा, तो ये 20,000 रुपए ही है, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसका अमाउंट था 50,000 5 साल में, तो ये कितना हो गया 10,000। तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना हो गया बच्चों, ये आपका 30,000। सो बीइंग प्रोपोर्शनेट डिबेंचर डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ओके, क्यों 1/5 लिए बच्चों, क्योंकि 5 साल उसकी लाइफ थी, ठीक है।
देखो क्वेश्चन इतने हर तरह के क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है कि एग्जामिनेशन में अपन पेपर देने गए और कोई चीज ऐसी आ गई कि वहां पे नहीं जमे। इससे अच्छा कि यहां पे तकलीफ हो जाए वो चल जाए, एग्जाम हॉल में तकलीफ होना नहीं चाहिए। ओके, हमारे दो क्वेश्चन बचे, सेशन हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन अब चैप्टर खत्म भी कर देते ना, सिलेबस आपका खत्म होने पाया, इसके बाद एक चैप्टर उसके बारे में बात करूंगा अभी इसके बाद। अब आ जाएंगे पहले आप क्वेश्चन नंबर 36 पे, वो थ्योरी वाला चैप्टर है, अकाउंटिंग थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क, उस पर बात करेंगे अपन। ठीक है, जो क्वेश्चन जो रहते वो आपका बस ये फाउंडेशन के 36 और 37 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे उस चैप्टर के बारे में बात करूंगा, पहले अपन ये चैप्टर कंप्लीट कर ले। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 36 सॉरी, कोइनल केमिकल लिमिटेड इश्यू 20 लाख 10% डिबेंचर ऑफ ₹50 एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अब 20 लाख डिबेंचर ₹50 का 10% प्रीमियम पे, पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹20 एप्लीकेशन पे दे रहे, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, डिबेंचर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 6 ईयर, ऑल द मनी ड्यू इन अलॉटमेंट वॉज कॉल्ड अप एंड रिसीव, रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज व्हेन द प्रीमियम अमाउंट इज इंक्लूडेड। अब ख्याल से बेटा, प्रीमियम अमाउंट किसमें इंक्लूडेड, अलॉटमेंट में। तो अब ध्यान से, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका ₹50 फेस वैल्यू थी, उसका 10% होता है 5, तो ये 55, तो 55 पे एप्लीकेशन पे ₹20 एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट उसने बोला, तो बैलेंस ऑन अलॉटमेंट कितना होगा 35, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 30+5 ऐसा है। ओके, अब यहां पे सिंपल क्वेश्चन है तो पहले ही करा देना था कहीं मैंने, ठीक है लिखेंगे बात। क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 399। ओके, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, यस इन द बुक्स ऑफ कोइनल केमिकल्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, एक पेज से थोड़ा सा कम स्पेस लगेगा, यहाँ पे फिगर बहुत बड़ी हो जाएंगी, वो ना 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 55 बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो एक काम करते अपन यहाँ पे ना रुपीज इन लैक्स लिख लेंगे, रुपीज इन लैक्स ऐसे लिख लो। तो सबसे पहले आपने 20 लाख डिबेंचर इश्यू करे और प्रीमियम सॉरी एप्लीकेशन पे ₹20 रहे, प्रीमियम अलॉटमेंट पे, सो बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख डिबेंचर ऐसे लिखना, 20 लाख डिबेंचर्स और आपको कितना आ रहा है यहां पे ₹20 एप्लीकेशन पे, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400 लाख रुपीज इन लाख है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट being debenture application money received। okay, अब उसके बाद debenture application के balance को debenture account में transfer करेंगे, so debenture एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹400 टू 10% डिबेंचर अकाउंट ₹400 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू 10% डिबेंचर अकाउंट
अब अलॉटमेंट ड्यू होगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ड्यू कितने से 20 लाख डिबेंचर है ड्यू 35 रुपीज है वो प्रीमियम भी उसमें 20 × 35 = 700 टू 10% डिबेंचर अकाउंट 20 लाख डिबेंचर फेस वैल्यू 30 × 600 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ट्वेंटी लाख डिबेंचर 5 रुपीज प्रीमियम ये हो गया 100 बीइंग अलॉटमेंट ड्यू अब इस पे पैसा आएगा लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 700 टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 700 बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट सिंपल था डन लिखे आप लोगों ने इतना ओके अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे इतना आपने लिखे बच्चों ओके क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे बेटा On 1st of April 2020, Sheru Limited issue 1,12% debenture of rupees 100 each at a discount of 5%. अब discount पे issue किया उसने 1,00,000 debenture थे 100 रुपए की उसकी face value थी और आपने discount कितना दिया इसको 5% तो 95 में issue करें. Redeemable on 31st March 2025. तो redeem कब होने वाला 31st March 2025 को ठीक है. इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब अब आपने डिबेंचर्स कितने ऑफर कितने करे 1,00,000 एप्लीकेशन कितने ओवर सब्सक्राइब मतलब 20,000 ज्यादा से आ गए क्या है ठीक है अब सुनो 1,00,000 आपने डिबेंचर ऑफर किए बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन 20,000 मतलब आपको एप्लीकेशन कितनी क्या 1,20,000 की वो वेयर रिफंडेड अब उनका एप्लीकेशन मनी अपने वापस भी कर दी इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन 31st March यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर तीन चीज उसने पूछा है पहले जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर फिर अकाउंट पूछा है ठीक है तो इसने डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट अज्यूमिंग टीडीएस इज 10% ठीक है तो पहले जनरल एंट्रीज तो पास कर ले अपन तो यहां पर लिखेंगे बात ए पॉइंट पहले तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शेरू लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ शेरू लिमिटेड तो फर्स्ट ए पॉइंट जनरल एंट्रीज ओके दो एंट्री आएंगी तो ज्यादा नहीं 8-10 लाइन ओके सो यहां पे 1st अप्रैल 2020 की बात है तो 2020 अप्रैल फर्स्ट सो कितने डिबेंचर थे बच्चों 1,00,000 ध्यान से बेटा गड़बड़ 1,00,000 आपने उसको डिस्काउंट पे इश्यू करे 5% तो 95 रुपीज पे ओके तो ऑन 1st 2020 शेयर लिमिटेड इश्यू अच्छा मगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ 1,00,000 आपने ऑफर करते एप्लीकेशन तो लेकिन 1,20,000 पे आए ठीक है सो बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 डिबेंचर हो गए
और 95, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 95, सो आ रहा है आपका, ओके तो आ रहा है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 95, वो आ रहा है आपका 1,14,00,000, 1,14,00,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 1,14,00,000, ओके बीइंग अभी ओवर सब्सक्रिप्शन और 20,000 का अपन रिफंड करेंगे, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 1,20,000 डिबेंचर्स। अब उसके बाद बेटा यहां पे आपने ध्यान से ये एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे, तो यहां पे नेक्स्ट एंट्री इज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एक साथ ही कर रहे हैं, 1,14,00,000, 1,14,00,000 इसको अलग अलग भी बता सकते हैं एक साथ में, ये तो पहले रिफंड वाली बता दूं क्या, रिफंड वाली पहले बता देता हूं, रुको नहीं तो कितने को रिफंड करें, 20,000 को, तो 20,000 डिबेंचर्स, जस्ट वन मिनट, इसकी पेंसिल की बैटरी डाउन हो गई, जस्ट वन मिनट, ओके डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो आपको 1,20,000 की एप्लीकेशन है, आपने 20,000 को रिफंड कर दिया उसमें, ठीक है, क्योंकि आपने ऑफर कितने किए थे, 1,00,000 ही आपने ऑफर किए थे, सो यहां पे 20,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय 95, इनको इतना वापस करें तो आ रहा है आपका 19,00,000 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 19,00,000 बीइंग 20,000 डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, ठीक है, मुझे लगा था दो ही एंट्री होंगी तो इसलिए मैंने कम स्पेस आपको कहूंगा, एक और एंट्री रहेंगी, अब 1,00,000 का कैसे, 20,000 का आपने रिफंड करें, सो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,00,000 डिबेंचर्स और 95 रुपीज था, तो ये आएगा आपका 95,00,000 रुपीज, तो ओवरऑल हो जाएगा 95,00,000, ओके अब आपने डिस्काउंट है याद रखना, डिस्काउंट कितना बच्चे 5%, सो रिडीम तो पार पे फिकर की बात है, लेकिन डिस्काउंट पार बोला रिडीमेबल आफ्टर 5 years, उसने बोला रिडीम 30, ठीक है 31st पार, ठीक है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, सो आपकी फेस वैल्यू कितनी जो आपने लोगों को दिए डिबेंचर्स, वो 1,00,000 डिबेंचर से मैं लिख देता कैलकुलेशन, 1,00,000 डिबेंचर फेस वैल्यू है 100 रुपए और डिस्काउंट कितना 5%, तो ये आ गया आपका 5,00,000 रुपए टू 12% डिबेंचर अकाउंट 1,00,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, ओके इसके अलावा उसने कुछ और भी हम लोगों से पूछा है, क्या पूछा है, हमने जनरल एंट्री भी पास करी है, इसके अलावा उसने क्वेश्चन में अपने से और क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट पूछता हूं कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट पूछा उसने, तो यहां पे उसने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ये पूछ लिया अपने से,
और इंटरेस्ट अकाउंट पूछा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट पूछा, ठीक है, और टीडीएस उसने, ये देखो एंट्री ना उसने ये पूछा सिर्फ एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो कुछ बच्चों के दिमाग में होगा नहीं नहीं सर वो टीडीएस की एंट्री पास को, जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर की बस उसने पूछा, ठीक है, टीडीएस ये सबकी नहीं पूछा। ओके, तब आप यहां अकाउंट बना लो भाई, सो यहां पे स्पेस कम ना जाए, बस नेक्स्ट पेज में बना लो जनरल एंट्रीज, यहां पे लिख भी देता एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। ओके, अब नेक्स्ट पेज में बना देता हूं बी पॉइंट में, उसने पूछा है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, इसको ड्रॉ करो 15 लाइन का, अकाउंट पूछा, अब ध्यान से बच्चों ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट है। ओके, अब डिस्काउंट कितना था, क्वेश्चन में आपने यहां पे एंट्री में कितना था बेटा डिस्काउंट कितना था, अपने लिखे हुए ना डिस्काउंट, यहां पे डिस्काउंट था 5 लाख रुपए का और 5 साल लाइफ है, तो 5 साल में राइट ऑफ करो तो 1 साल में कितना 1 लाख, तो आपने पहले डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करे 1 अप्रैल 2020 की बात है अगेंस्ट 12% डिबेंचर 5 लाख, साल के आखिरी में राइट ऑफ करेंगे, ये अपने पहले देखे क्या एंट्री पास करते पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट 31 मार्च 2021 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख रुपए, बचा हुआ बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन 4 लाख रुपए, पहला साल बहुत सिंपल है, ये हो गया आपका 5 लाख, 5 लाख, फिर यहां पे बच्चे 31 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4 लाख, फिर 31 मार्च 2022 साल के आखिर में पीएनएल में जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख बाय बैलेंस कैरीड डाउन, यहां पे बैलेंस आया आपका 3 लाख, से टोटल 4 लाख ये ओके, फिर आपका यहां बैलेंस 1 4 2022 का टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3 लाख 31 मार्च 2023 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख बाय बैलेंस कैरीड डाउन 2 लाख, ये आपका टोटल 3 लाख, फिर ये फोर्थ ईयर 1 4 2023 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2 लाख 31 मार्च 2024 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1 लाख, सो टोटल 2 लाख 2 लाख, फिर आपका आखिरी साल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख,
1 लाख 31st March 2025 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख ओके डन। अब उसने क्या पूछा आगे बेटा अपने से, सिंपल उसने आपसे पूछा, फिर यहां पे एक एक करके बना रहा इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट अकाउंट बनाया बेटा, तो इंटरेस्ट अकाउंट आपने ठीक है, इंटरेस्ट और डिबेंचर होल्डर अकाउंट बना, तो ठीक है उसने यहां पे इंटरेस्ट का अमाउंट जो आपका हर साल कितना रहेगा फेस वैल्यू पे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटरेस्ट है 1 लाख 12 लाख रुपए 12 लाख रुपए इंटरेस्ट है। अब एक्चुअल में क्या हुआ, यहां टीडीएस भी उसने दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, टीडीएस दिया तो अब आपने कंफ्यूज मत होना जो आगे अभी मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि तो 12 एंट्री क्या पास होती है बेटा, वैसे तो अभी अपने टीडीएस के केस में देखे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट यहां पे 12 लाख है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हाउ मच 12 लाख। अब एक सेकंड पेंसिल चार्ज मैं आपको कनेक्ट करके बताऊं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके सो मैंने यहां पे डिबेंचर इंटरेस्ट की अपन एंट्री क्या पास करते, अब इंस्टीट्यूट ने कुछ करी है इसलिए उसको मैं क्लैरिफाई करने के लिए मैं यहां पे कुछ आपको बता रहा हूं, बात एक ही होती है बेटा, बात एक ही होती है। तो मैं एंट्री पास करता हूं डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपए टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, होल्डर अकाउंट इसका 90% ना 12 लाख का 90% वो होता है 10,80,000 टू टैक्स डिडक्टेड एट सो टीडीएस अकाउंट 10% 12 लाख का 10% वो आता है 1,20,000। फिर इसको अपन पेमेंट करते डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 10,80,000 टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू कैश और बैंक अकाउंट। तो ये ऐसी एंट्री पास होती है, आपने पहले भी अभी करी पिछले कुछ क्वेश्चन में। ये कैसा इंस्टीट्यूट ने क्या करी, टीडीएस पेबल अकाउंट या तो उसने पूछ लेना था, उसने कोई दिक्कत नहीं थी, उसने टीडीएस बोला। अब क्या टीडीएस ने 10% बोला लेकिन टीडीएस अकाउंट उसने नहीं पूछा, वहां कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब क्या हुआ लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में क्या करी, और वो नेट इफेक्ट सेम होता है, गलत नहीं करे उन्होंने, नेट इफेक्ट सेम होता, उन्होंने ऐसे करे बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये और लिख देता हूं मैं, बात एक ही है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 12 लाख। उन्होंने पहले पूरे डिबेंचर होल्डर अकाउंट में लेके गए, डिबेंचर होल्डर अकाउंट पूरे के पूरे 12 लाख डिबेंचर होल्डर में लेके, टीडीएस नहीं लेके, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने एंट्री पास करे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 12 लाख, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 12 लाख टू बैंक अकाउंट 10,80,000 टू टीडीएस अकाउंट 1,20,000। फिर वो टीडीएस की पेमेंट नहीं बताया, टीडीएस की पेमेंट भी बता सकते थे वो लोग, ठीक है। अब नेट के इफेक्ट अगर अपन यहां पर देखो बेटे, तो आपने देखो यहां पे डिबेंचर इंटरेस्ट को कितने से डेबिट करें, 12 लाख से, यहां पर कितने से डेबिट करें 12 लाख से। आपने यहां पे डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट करे बेटा, डिबेंचर होल्डर को आपने कितने से क्रेडिट करे, आपने यहां पे 10,20,000 से, यहां पे आपने 12 लाख से क्रेडिट करे लेकिन फिर 12 लाख से डेबिट भी कर दिए। तो यहां पे जैसे उसने यहां पे 10,80,000 से क्रेडिट किया फिर 10,80,000 से डेबिट करा, यहां पे 12 से क्रेडिट किया 12 से डेबिट किया, कैंसिल दोनों में ही हो गया। यहां पे आपने डिबेंचर होल्डर को 10,80,000 पे करे, अपन डिबेंचर होल्डर को यहां पर भी 10,80,000 ही पे करे, जस्ट वन मिनट, यहां पे डिबेंचर होल्डर को भी अपन कितना पे करे 10,80,000 ही पे कर रहे बेटे, 10,80,000 ही पे कर रहे, ओके 10,80,000 ही पे कर रहे, और यहां पे भी 10,80,000। अब टीडीएस पेबल जो यहां पर था, यहां पे टीडीएस पेबल को क्रेडिट करा उसने 1,20,000 से, आपने भी टीडीएस पेबल को यहां पे 1,20,000 से, अब टीडीएस पेबल की उसे पेमेंट नहीं बताया, तो वी डोंट वांट, आई डोंट वांट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, मेक इट सिंपल कि भाई यहां पर क्या करेंगे अपन, ऐसे भी करे तो ये भी चलता है, ये भी चलता है ना, यहां पर ये भी चलेगा आपको ऐसे भी करे तो। अब यहां पर अपने समझते, अब ऐसे भी करे तो भी चलता है, ऐसे करे तो भी चलता है, बस यहां पर एक अपन ने माने कि टीडीएस की ड्यू की एंट्री पास होगी, मतलब आपने यहां पे
उन्होंने ऐसे करे, उन्होंने यहाँ पे डिबेंचर होल्डर अकाउंट 10,80,000 टू बैंक अकाउंट 10,80,000 टीडीएस के पेमेंट की एंट्री उन्होंने नहीं करे, उन्होंने ये मालूम कि अभी टीडीएस पे नहीं हुआ है करके, बस इतना फर्क है। तो अपन भी क्या करेंगे बेटा, पूरा का पूरा डिबेंचर, डोंट कंफ्यूज मत होना, डोंट वरी, डिबेंचर इंटरेस्ट 12,00,000 का, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 12,00,000 टू डिबेंचर होल्डर, पूरा 10,00,000 सॉरी पूरा 12,00,000 डिबेंचर होल्डर अकाउंट में ले जा लेंगे। उसमें से डिबेंचर होल्डर को अपन पेमेंट कर देंगे, कितनी पेमेंट कर देंगे अपन, उसमें से डिबेंचर होल्डर को अपन पेमेंट कर देंगे 10,80,000 रुपए, और बचे हुए जो 1,20,000 रुपए रहेंगे वो टीडीएस अकाउंट में अपने को लेकर लेकर हम उसको चले जाएंगे। सो इससे कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 12,00,000 रुपए के जो इंटरेस्ट है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट हम इसकी एंट्री पास करेंगे, और वो 12,00,000 में से 10,80,000 डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, और जो आपका बचे हुए 10% रहेंगे दैट विल ट्रांसफर टू टीडीएस अकाउंट, दैट विल ट्रांसफर टू टीडीएस अकाउंट, बात एक ही बच्चे। सो यहां पे इसको मैं सीधा अकाउंट में लिखता हूं, अदरवाइज आप बेवजह कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। तो यहां पे जो पॉइंट नंबर 3 में उसने आपसे एंट्री पूछा है, पॉइंट नंबर सी में दो एंट्री नहीं सॉरी अकाउंट पूछा उसने, कौन सा अकाउंट, एक इंटरेस्ट अकाउंट, ओके ड्रॉ कर इसको 15 लाइन का, फिर मैं वो आता हूं उस पे, किस पे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट में। सबसे पहले देखो साल के आखिरी में आप इंटरेस्ट देते 31 मार्च 2021, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डोंट आप कंफ्यूज मत होना सर, वो टीडीएस पेबल होता है ना क्रेडिट, वो टीडीएस वो अपन डिबेंचर होल्डर अकाउंट से टीडीएस पेबल में ट्रांसफर कर देंगे, डोंट वरी, बात एक ही है। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 12,00,000 रुपए, ये 12,00,000 कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 1,00,000 डिबेंचर थे, 100 रुपए का एक था, और फेस वैल्यू सॉरी 12% इंटरेस्ट था, तो ये आ गया आपका 12,00,000 रुपए टोटल। ये इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, इसके बैलेंस को अपन साल के आखिरी में कहां ट्रांसफर कर देते, पीएनएल अकाउंट में 31 मार्च 2021, वो ये इंटरेस्ट की एंट्री भी साल में ही होती है, आखिरी में पास होती है साल के आखिरी में। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,00,000, 31 मार्च 2022 डिबेंचर होल्डर अकाउंट अगेन 12,00,000 रुपए, फिर साल के आखिरी में आप उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दी डिबेंचर ये इंटरेस्ट को, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,00,000। फिर 31 मार्च 2023 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 12,00,000, फिर 31 मार्च 2023 साल के आखिरी में इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12,00,000। इकतीस मार्च 2024 टू होल्डर अकाउंट 12,00,000 बाय लॉस अकाउंट 12,00,000। फिर 31 मार्च 2025 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 12,00,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
12 लाख। ओके, तो डोंट वरी, हमने इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट में हर साल 12 लाख लेके गए। अब मार्च से उसकी पेमेंट 90% कर देंगे और 10% वो टीडीएस पेबल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल बात एक ही है, ऐसा मतलब अभी कुछ अलग कर, एक ही है टीडीएस पेबल में, और टीडीएस की पेमेंट कर देंगे तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब उसे डिबेंचर होल्डर अकाउंट भी पूछा, तो आप ड्रॉ करेंगे, डिबेंचर होल्डर तो हो गया, नहीं सर इंटरेस्ट हो गया डिबेंचर होल्डर अकाउंट, इसको हाफ पेज आप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहां पे आपने एंट्री किया पास की, हर साल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट को आपने क्रेडिट करे थे किसके अगेंस्ट, इंटरेस्ट के। अब ये था 12 लाख रुपए का, अभी 12 लाख रुपए से अपन ने क्या करे, 90% इसको पे कर दी साल के आखिरी में, 90% पे कर, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 90% हो रहा है 10,80,000। लेकिन 10% का क्या, तो क्या बैलेंस रहेगा, नहीं 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 नहीं, वो टीडीएस अकाउंट में चले जाएगा, और टीडीएस अकाउंट में चलेगा आपका 1,20,000 रुपए बच्चों, और फिर टीडीएस की जब पेमेंट करेंगे तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बात एक ही है जो पहले करे ना अपन, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये पहला साल हो गया, फिर दूसरा साल आपने एंट्री पास करे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, तो 31 मार्च 2022 बाय, जस्ट वन मिनट पेंसिल चार्ज हो रही है, आज बहुत बड़ा सेशन हो गया था, चलो ठीक है 5 मिनट मैं सोचा खत्म कर देता हूं चैप्टर, इसलिए मैं सोचा ठीक है जस्ट 5 मिनट्स आखिरी पार्ट है बस। सो बाय, इंटरेस्ट अकाउंट ही वही 12 लाख रुपए आया, फिर आप पेमेंट करें डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 90%, 10,80,000 रुपए, 10% कहां पे, टीडीएस अकाउंट में 1,20,000, 12 लाख ये टोटल, फिर थर्ड ईयर के आखिरी में बाय इंटरेस्ट अकाउंट 12 लाख, फिर यहां पे 31 मार्च 2023 डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हाउ मच, 10,80,000 टू टीडीएस अकाउंट 1,20,000, तो आप 90% पे कर रहे हो, 10% टीडीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हो, 12 लाख, फिर 31 मार्च 2024 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 12 लाख टू बैंक अकाउंट 10,80,000, टीडीएस अकाउंट 1,20,000, 12 लाख फिर 31 मार्च 2025 उसको 90% पे कर दिए 10,80,000 और 10% टीडीएस अकाउंट में
1,20,000। ओके डन। तो यहां पे चैप्टर खत्म होता है। देखो हमने बहुत से क्वेश्चन किए, बिलीव मी एग्जामिनेशन में इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, कोई भी चीज ऐसा नहीं कि हमने उसको इग्नोर करे या कुछ चीज छोड़ दिया, सारी चीजें कवर कर बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने किए। बस जो भी अब बचे हुए क्वेश्चन आपके इश्यू ऑफ डिबेंचर के, इस कंपनी का इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला पार्ट के जो बचे हुए होमवर्क है, बचे हुए क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन अब आपके होमवर्क रहेंगे। तो ये चैप्टर हमारा जो 15 मार्क्स का आता है, हमने बहुत डिटेल में बहुत क्वेश्चंस इसके करे और ये चैप्टर हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। आई नो एक चैप्टर बचा हुआ जो आपके नोट्स में चैप्टर नंबर 12 है, थ्योरेटिक अकाउंटिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है, तो उस चैप्टर को अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे और उसको आई विल ट्राई कि वो थ्योरी चैप्टर है बेटा, उसमें उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके कंसेप्ट है उसके ऊपर वो एग्जामिनेशन है पूछ लेता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उस पर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, वो पूछता है इंस्टीट्यूट, वो हम लोग करेंगे। और जैसे यहां पर है बहुत से क्वेश्चन है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उस पर पूछ लेता है। और इसके अलावा पूरा का पूरा चैप्टर वो थ्योरी चैप्टर है, इसमें सिर्फ कैपिटल है कि रेवेन्यू बताना, पूरा थ्योरी चैप्टर है। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब वो चैप्टर जनरली हर बैच में एक ही दिन में, थोड़ा सेशन कम ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक ही दिन में उसको हम पूरे के पूरे चैप्टर को थ्योरी चैप्टर है। अब आपको ना बहुत सिंपल कनेक्ट, जनरली चैप्टर जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है लोग इसको सबसे पहले पढ़ाते हैं, अब मैं उसको सबसे आखिरी में प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बच्चे को कुछ अकाउंट के बारे में पता ही नहीं होता, आपको डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं पता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं पता था, अब आपको हर चीज पता रहती है। तो जब ये थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी को मैं कनेक्ट करूंगा, देखो अपने वो चैप्टर में पढ़े थे तो वो ऐसा होता है, तो आप कनेक्ट कर पाऊंगे तो आसानी से समझता है। जब बच्चे को पहले डेबिट क्रेडिट ही नहीं पता और पहले दिन ही मैं सीधा उठा के उसको थ्योरी पढ़ाओ तो बोर हो जाएगा और वो कनेक्ट भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमेशा जो लोग जनरली लोग इसको सबसे पहले करते हैं, इस चैप्टर को मैं सबसे आखिरी में पढ़ाता हूं, और जहां जहां इस चैप्टर की जो रिलेटेड चीजें जब जब जो जो चैप्टर में आती थी मैं बोल भी देता था। इसमें ऐसी कई चीजें जो ऑलरेडी आप बोलेंगे तो सर आपने पहले कहीं बोले थे कोई चैप्टर में, तो अब मैं उन चैप्टर से कनेक्ट करूं तो आसानी से अब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन हमारा आखिरी चैप्टर जो थ्योरी चैप्टर अकाउंटिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वो हम लोग करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।